अब तो मेरे पिया की दया न समावे इंद। श्री महामति कहे साथ जी, भया चर्चा का बखत, अब तुम सुनियो चीत दे, लाल आगे आए बैठे इन तखत, लाल आगे आए बैठे इन तखत। श्री मामति कहे सुनो साथ जी, ए पोहर एक की बिरत, जो होत है तापर सोए बताऊं जुगत, सोए बताऊं जुगत। दूसरा प्रहर, अब कहो दूसरे प्रहर की, अच्छा जी धाम दिली श्री लालदास जी के धाम हृदय से दूसरे पहर यानी 9 बजे से लेकर 12 बजे तक किस तरह से पन्ना जी में श्री जी को अक्षरातीत मान करके रिझाया जाता है इसका वर्णन कर रहे हैं। आप सुनिए कि प्रातःकाल जो पहला पहर 6 से 9 बजे का होता है उसमें श्री जी नित्य क्रिया से निवृत्त होकर स्नान आदि करते हैं और उसके पश्चात चितवनी कराई जाती है। उसके पश्चात कुछ जलपान वगैरह होता है। जलपान के पश्चात 9 बजे से बाहर 12 बजे तक का जो क्रियाकलाप है उसका वर्णन सुनिए। सेवा साथ कीजे सुंदर साथ, कौन कौन सी सेवा करते हैं, जिन बात जो होता है वहाँ किस तरह से सुंदर साथ अपनी सेवा को निभाते हैं उसका वर्णन सुनिए। हक मेरे उतरी ये राज्य की कृपा है, कोई सेवा करता है तो राज्य की कृपा से करता है और उसको अपना सौभाग्य समझना चाहिए कि राज्य उससे सेवा ले रहे हैं। संसार में एक से एक धनवान है लेकिन उनका धन घर पर ही रह जाता है, उनकी सेवा स्वीकार नहीं होती है। धन की 3 गति होती है, या तो उसका दान कीजिए शुभ कार्यों में, या भोग कीजिए, या नहीं तो वह नष्ट हो जाएगा। लोग सोचते हैं कि हम बचा कर रखें किसके लिए, कि हमारी नई पीढ़ी आएगी पोते पोतियों के लिए, 4 पीढ़ियों के लिए। एक बार एक सेठ जी बहुत दुखी थे, मुनीम ने पूछा, मुनीम कुछ सत्संग में जाया करता था, पूछा कि सेठ जी आप इतने दुखी क्यों हैं। सेठ जी कहने लगे मैं बहुत विचार करके देख रहा हूँ कि मेरे पास इतना धन है कि 10 पीढ़ी बिना कमाए कुछ भी खा सकती है, मैं चिंतित हूँ कि मेरी 11वीं पीढ़ी का क्या होगा। यह है चिंता मनुष्य की, सबका धन इकट्ठा करके केवल अपने बारे में सोचना। यह देश गुलाम क्यों बना, क्योंकि लोग केवल अपने बारे में सोचते थे, परिवार के बारे में सोचते थे, देश के बारे में, धर्म के बारे में, संस्कृति के बारे में कोई नहीं सोचता था। केवल 500 सैनिकों की सहायता से रॉबर्ट क्लाइव ने षड्यंत्र करके पश्चिम बंगाल पर कब्जा कर लिया मिर्जाफर को अपनी तरफ से मिलाकर, और उस प्लासी के युद्ध में असम, बंगाल और उड़ीसा तीनों पर कब्जा हो गया था रॉबर्ट क्लाइव का। जब वो कलकत्ता की सड़कों से निकला तो उसके स्वागत में 500,000 लोग खड़े थे और उसके पैरों में फूल फेंक रहे थे। उनको चिंता नहीं कि हमारा देश गुलाम हो रहा है, उनको ये था कि अंग्रेज बहादुर हमारा शासन करेंगे, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा। यदि 500,000 लोग एक एक ईंट मारते तो भी क्लाइव मारा जाता, 500 अंग्रेज मारे जाते, देश गुलाम नहीं बनता। लेकिन इस देश के लोग इतने आलसी अकर्मण्य बन गए, इतने निद्रा में बन गए कि इनको कोई चिंता नहीं। महमूद गजनवी ने 17 बार हमला किया, पूरे देश को चिंता नहीं थी। केवल पंजाब में एक बार जोश पैदा हुआ था
कि वहाँ की बहनों ने आनंदपाल को, जयपाल का बेटा था, एक बार जब जयपाल राजा थे पंजाब के, तब महमूद गजनवी ने हमला किया था। आनंदपाल के समय में वहाँ की बहनों ने अपने गहने तक बेच करके दिए थे कि किसी तरह से हमारा पंजाब सुरक्षित रहे। लेकिन देश शांत रहा, एक एक करके उस सब पर हमला करता रहा, पूरे देश को कोई चिंता नहीं थी। लेकिन ये सेवा, जैसे कि मैंने कहा, धनवान होने से नहीं होती है, दिल में भाव होने से होती है। जिसके दिल में भाव है वो गरीब होकर भी सेवा कर सकता है, कमज़ोर शरीर वाला होकर के भी सेवा कर सकता है। जिसका शरीर बलिष्ठ हो और भाव नहीं हो तो लेटा रहेगा, कहेगा कि हमारा मन नहीं करता है। लेकिन जिसका शरीर दुबला पतला भी हो वो तन से भी सेवा कर सकता है, गरीब आदमी भी धन से सेवा कर सकता है, ये भावना की बात है। और जिसके अंदर सेवा के भाव जागृत होते हैं वो भाग्यशाली होता है। दो बाजू पलंग के श्री जी के दोनों किनारे बैठत लाल केशवदास, श्री जी पलंग पर विराजमान होते हैं, लाल दास जी और केशवदास जी श्री जी के पलंग के दोनों तरफ बैठ जाते हैं। फुरमान हदीसा पढ़ने की, और उनका कार्य क्या होता है, कुरान और हदीसों को पढ़ना। राज रिझावन आस, किस लिए, राज रिझावन आस, उस सेवा करके सोते हैं कि राज जी को हम रिझा रहे हैं। धनी धाम के देत हैं, राज जी क्या करते हैं, निज धाम के निशान। अब प्राणनाथ जी अपने मुख से परम धाम की शोभा का वर्णन करते हैं। लेवे मोमिन मिलके, और इसको कौन लेता है, परम धाम की ब्रह्मात्माएं। अरस सुख सुभान, और राज्य के इन सुखों को परम धाम की ब्रह्म सृष्टिया ही लेती है। पंजा बनवाली दास का, अब उस समय बनवाली दास जो है एक पंजा बनाए होते हैं, क्योंकि श्री जी को देखा कि कभी चर्चा करते समय पीठ में खुजलाहट हुई तो हाथ खुजाते हुए देखा कि हाथ तो श्री जी का पहुंच नहीं पा रहा है, तो उन्होंने लकड़ी का एक हाथ बना दिया और वही रख देते हैं कि जब श्री जी को चर्चा करते समय खुजलाने की ज़रूरत हो तो हाथ खुजला किया करें। अब देखिए श्री जी 9 से 12 बजे तक 3 घंटा सवेरे चर्चा करते हैं। और बद्री दास बैठते, और चर्चा में कौन बैठते हैं, सबसे पहले नाम आएगा मुरलीधर जी का, उसके पश्चात अब चर्चा में बद्रीदास जी भी बैठते हैं। वाका लिखा वर्ष एक, एक वर्ष तक वाका लिखा, वाका किसको कहते हैं, प्रतिदिन की दिनचर्या यानी अष्टपहर की लीला का वर्णन बद्रीदास जी करते हैं। और बानी साथ के खड़े, और सुंदर साथ क्या करते हैं, ए जो लिखन हार, बाणी लिखने वाले सुंदर साथ वहाँ खड़े रहते हैं। तथा मथुरा और तिमर, मथुरा और तिमर क्या करते हैं, परशुराम खबरदार, ये सुंदर साथ के नाम है, ये हमेशा इस कार्य में संलग्न रहते हैं। हीरामन हेत सो, और बहुत प्रेम से हीरामन भाई भी लिखत बाणी सार, ये बाण श्री जी जो चर्चा करते हैं उसके सार तत्व को लिखते हैं। और अपनी अपनी ले खड़े, और अपनी अपनी सेवा में सब सुंदर साथ खड़ा है, कोई आलस्य नहीं दिखा रहा है, क्योंकि सुंदर साथ के जी में कोई काम नहीं है। बैठे बातें करे बका अर्श की, तिथिच वही बैठक, दुनी बातें करे दुनी की, आकृति दो जग। ब्रह्म सृष्टियों के होठों पर क्या होता है, जिक्रे सुभान, केवल राज्य की चर्चा। उठते बैठते सोते जागते दिन में केवल राज्य का ही ध्यान करना, बातें भी करें तो राज्य की करें, परम धाम की करें, लेकिन जीव सृष्टि क्या करेगी, उठते बैठते सोते जागते केवल किसी की निंदा करेगी, दूसरे की बुराई करना और अपने को अच्छा कहना, ये जीव सृष्टि की पहचान है। ए हुजूर बैठन हार, ये मुख्य सुंदर साथ हैं जो श्री जी के सम्मुख बैठते हैं केवल चर्चा करने के लिए। हरिदास बैठत, और हरिदास जी बैठे रहते हैं। बानी लेखनी काज, श्री जी उधर बोलते हैं, चर्चा करते हैं और लिखने के लिए बैठे रहते हैं। पुस्तक लिख घर में धरे, और उसको लिख लिख कर अपने घरों रखते हैं। आप देखेंगे मोहम्मद साहब के एक बाल को भी इस्लामिक जगत ने हजरत बल दरगाह जो कश्मीर के अंदर है उसको रख रखा है। श्री जी चर्चा कर जो करते थे उसको सुनकर जिन ब्रह्मणियों ने लिखा है आज तक वो सुरक्षित नहीं है। हमारे समाज का अस्तित्व क्या होगा, हम श्री जी के मुखारबिंद से लिखी हुई चर्चा को भी सुरक्षित नहीं कर पा रहे हैं, हमें उसकी गरिमा का एहसास नहीं है। श्री जी के समय में भी जो
वस्तुएं उपयोग में होती थी, उस संग्रहालय तो वैसे बनाया गया लेकिन जैसी देख रेख होनी चाहिए थी वैसी नहीं है। दुनिया के दूसरे पंथों में जाइए, वे अपने अतीत के गौरव को बहुत सहजता से संभाल कर रखते हैं। हम अपने अतीत के गौरव की भी रक्षा नहीं करना चाहते और वर्तमान में भी उनकी गरिमा को नहीं फैलाना चाहते। इसका मूल कारण क्या है? अकर्मण्यता, आलस, प्रमाद। कोई ताले वाले के काज, कोई ताले वाले, कोई भाग्यशाली होगा जो इसकी कीमत को समझेगा। श्री जी के मुखारविंद से जो शब्द निकले उसको लिख करके रखना कितना गौरवमयी हो सकता है। आप देखिए, आचार्य रजनीश तो कुछ भी नहीं थे। रजनीश की जो भी किताबें मार्केट में आजकल मिलती हैं वो सब कुछ उनके प्रवचनों को सुन करके लिखा गया है और पूरे संसार में लाखों प्रतियां बिकती हैं। यदि उस जमाने में टेप रिकॉर्डर का युग होता, रिकॉर्डिंग करने की व्यवस्था होती, तो आज पूरा संसार मुग्ध हो जाता श्री जी के मुखारविंद की चर्चा सुनकर। लेकिन जो उन्होंने बोला था लिखा तो गया, लेकिन दुर्भाग्य है लिखने वालों के वंशजों ने उसकी सुरक्षा नहीं की। यदि वो सुरक्षा कर ली होती तो आज उसको छपवाया जा सकता था। जिस तन में बैठकर अक्षरातीत ने लीला की हो उनके मुख से निकले हुए शब्दों को पढ़ने में कितना आनंद आता, यह तो पढ़ने वाला ही जान सकता था। लेकिन दुर्भाग्य हमारा, जो हमने श्री जी के मुखारविंद से निकले हुए वचनों की कद्र नहीं की। श्री महाराज आवत, आप देखिए पहले प्रहर की सेवा में भी छत्रसाल जी उपस्थित रहते हैं और दूसरे प्रहर की भी चर्चा जब हो रही है उसमें भी महाराजा उपस्थित हो जाते हैं। बैठते चर्चा में, अब चर्चा के समय छत्रसाल जी आकर के विराजमान होते हैं। श्रवणातेत सनेसो, और प्रेम पूर्वक श्री जी के मुखारविंद से निकली हुई चर्चा को सुनते हैं। नफा पावे खलक इनसे, और जो भी चर्चा को सुनता है उसको नफा होता है। नफा होना यानी लाभ होना। सत्संग की महिमा क्या है? सत्संगते कथम किम न करोति पुंसम, जाड्यम धियो हरत पापम अपाकरोत, मानव नत दिशति पापम अपाकरोत। मनुष्यों ने कहा है कि बुद्धि की जड़ता को दूर करती है, अहंकार की भावना को दूर करती है। सत्संग से क्या नहीं भला हो सकता है? एक चोर भी सज्जन बन सकता है। अंगुलिमाल जैसा डाकू बुद्ध की संगति में भिक्षुक बन गया, बुद्धत्व को प्राप्त हो सकता है। ऋषियों की संगति में पाकर वाल्मीकि डाकू महर्षि बन सकते हैं। पापी से पापी व्यक्ति भी धर्मात्मा की शरण में आकर सत्संग में जाकर अपने जीवन का सुधार कर सकता है। इसलिए जो भी धार्मिक स्थान है वो ज्ञान के केंद्र होने चाहिए, जहाँ सत्संग की चर्चा हुआ करे। वो सभा नहीं है, वो गांव बस्ती शुभ नहीं है जहाँ कभी सत्संग ना होता हो। सत्संग के बिना सब कुछ सुना है, भक्ति के बिना सब सुना है। लोग सोचते हैं कि गांव में एक मंदिर बना लेंगे हमारा कल्याण हो जाएगा। गाँव को क्यों मंदिर बनाते हैं? एक मंदिर से क्या काम चलेगा? आप हर घर को मंदिर बनाइए, हर दिल को मंदिर बनाइए। घर घर में पति पत्नी बैठकर परमात्मा का अपने हृदय मंदिर में ध्यान करें। हृदय को मंदिर बनाने में तो कुछ पैसा खर्चा नहीं होता। गांव में मंदिर बनाएंगे तो कुछ लाख लग जाएंगे। हृदय को मंदिर बनाने के लिए तो शाम से वह बैठकर केवल ध्यान करना है, अपने हृदय में पवित्रता भरनी है। आपका हृदय ही मंदिर बन जाएगा जिसमें अक्षरातीत किए चरण कमलों की शोभा विराजमान होगी। सन्मुख श्रवण देते हैं, और साथ में बैठकर कौन सुनता है? मुरलीधर बनाए, मुरलीधर जी का नाम हमेशा आएगा। न आसन नेत्र डगा वही, मुरलीधर किस तरह से बैठते हैं कि उनका शरीर कभी भी हिलता डुलता नहीं है। श्री जी की दृष्टि से दृष्टि मिली रहती है, पत्थर की मूर्ति की तरह अचल होकर के बैठे रहते हैं। रहे दृष्टि दृष्ट जुड़ा है, श्री जी की दृष्टि से उनकी दृष्टि मिली रहती है। मैंने तो कितने लोगों को देखा है जहाँ चर्चा शुरू हुई और उनको नींद आ जाती है और जमीन पर गिर पड़ते हैं। कितने सुंदर साथ तो चितवनी में भी गिर पड़ते हैं। क्यों? अंदर तमोगुण है, ब्रह्मवाणी अंदर कहाँ से प्रवेश करें? कभी किसी ने नहीं देखा है, 80 साल का वृद्ध भी होगा तो उसको कभी पिक्चर देखते समय नींद नहीं आएगी, चाहे रात भर पिक्चर दिखा लीजिए।
लेकिन परमात्मा की जहाँ चर्चा हो, जहाँ शुरू हुई, लोगों को नींद आने लगती है, क्योंकि ये मन परम धाम की बातों को सुनना नहीं चाहता, माया की बातों में उसको रुचि लगती है। इसलिए कभी सत्संग में तो लोग सो सकते हैं, गलत चीज़ों में, निंदा में, पिक्चर देखने में कभी किसी की नींद नहीं आ सकती। कई लहरे सुख धाम के, श्री जी के मुखारविंद से जो परम धाम की वाणी की चर्चा होती है, तो ऐसा लगता है कि आनंद की लहर नहरें बह रही हूँ। वर्णन हो तरसाल, श्री जी वर्णन करते हैं, जब वर्णन करते हैं तो श्री महाराजा रिझत, और महाराजा छत्रसाल जी उसको सुन करके रिझ जाते हैं, आनंदित होते हैं। होत दिल खुशाल, और उनके दिल में बहुत अधिक आनंद होता है। कई साखे शास्त्रन की, श्री जी जब चर्चा करते हैं तो कई धर्म ग्रंथों की साक्षियां भी देते हैं। और भागवत वचन, भागवत के भी कथनों को उद्धृत किया जाता है। प्रश्न चालीसों खोलते, भागवत के 40 प्रश्न वेदांत के 15 प्रश्नों को खोलकर स्पष्ट किया जाता है। सैया होत मगन, और उसको सुनकर सुंदर सात आनंदित होते हैं। 9 से 12 बजे तक यही चर्चा चलती है। ये दिनचर्या क्यों महत्वपूर्ण है कि आज भी मंदिरों में वैसा ही होना चाहिए। यदि विद्वान नहीं पैदा होंगे, मंदिरों में वाणी चर्चा नहीं होगी, तो समाज में जागृति कैसे फैलेगी। मंदिर केवल घंटी घड़ियाल बजाने के लिए नहीं है कि शाम सुबह सेवा पूजा हो गई, दोपहर को भोग लगा दिया। ये तो दिनचर्या है, इससे आत्मा की जागृति का क्या फल मिलने वाला है। जब तक किसी भी मंदिर से ज्ञान का प्रचार नहीं होगा, सुंदर साथ को चितवनी नहीं सिखाई जाएगी, चर्चा वाणी नहीं होगी, तब तक जागनी का प्रकाश नहीं फैल सकता है। वेद और कतेब को, वेद और कतेब दोनों के रहस्यों को श्री जी खोलते हैं। आज लो कब ना हुई, आज दिन तक कभी ने उसके रहस्यों को जाना नहीं था। कई उपजे खवे ब्रह्मांड अनेक, इस ब्रह्मांड से पहले भी अनेकों बार ब्रह्मांड बने और लय को प्राप्त हो गए, लेकिन वेदों के गुह रहस्यों को, कतेब के गुह रहस्यों को किसी ने स्पष्ट नहीं किया था। जिनके आदेश से ये ग्रंथ बने हैं, और वो स्वयं महामती जी के धाम हृदय में विराजमान होकर उनके रहस्यों को खोल रहे हैं। मीठी रसना रस भरी, और श्री जी के मुखारविंद से होने वाली जो चर्चा है उसमें माधुर्यता है, मिठास है। हृदय से जो शब्द निकल रहे हैं वो सबको तीर की तरह चुभते हैं और हृदय में प्रवेश कर जाते हैं। अत सुंदर हैं बोल, उनके शब्द बहुत ही मीठे हैं। जिसके हृदय में माधुर्यता का सागर लहराता हो, उनमें कटुता के शब्द भला कहाँ से निकल सकते हैं। इसलिए जब श्री जी परम धाम का वर्णन करते हैं तो हर सुंदर सात मंत्रमुग्ध होकर के सुनता रहता है। चैन होता है चित्त को, और हृदय को चित्त में चैन होता है, आराम मिलता है। यानी श्री जी के मुखारविंद की चर्चा सुनकर हर व्यक्ति का चित्त आनंदमग्न हो जाता है। आपने शायद जो अच्छे स्तर के प्रवक्ता होते हैं, जिन्होंने पांडुरंग शास्त्री का प्रवचन सुना होगा गीता पर, उनके प्रवचन में 500,000 लोग आते थे। मुरारी बापू के भी प्रवचन में 1.5 लाख लोग, 2 लाख आते ही होंगे। डोंगरे जी महाराज जब भागवत करते थे तो सभा की तरह नहीं देखते थे, वे कन्हैया को लाला लाला कह करके पुकारते थे, भागवत कहते जाते थे, खुद रोते जाते थे। उनको पता नहीं कि सभा में कौन आया है, कौन नहीं आया है, और सुनने वाले भी रोते रहते थे। जब ये संसार के कथा करने वाले, चाहे डोंगरे जी हो, मुरारी बापू हो, या पांडुरंग शास्त्री हो, ये परमहंस नहीं थे, और श्री जी तो स्वयं अक्षरातीत थे, जिनके अंदर परब्रह्म की हिलादिनी शक्ति श्यामा जी हैं। परब्रह्म का आवेश स्वरूप है, अक्षर ब्रह्म की आत्मा है, धनी का जोश जबराइल है, अश्राफील है। उनके मुख से निकलने वाली चर्चा को भला कौन बदनसीब होगा जो छोड़ना चाहे। ये अवश्य है कि वैसी चर्चा आज इस संसार में नहीं है, और वो चर्चा यदि रिकॉर्ड कर गई होती तो आज संसार उस चर्चा से लाभान्वित हो सकता था, अपने को धन कर सकता था। चैन होता है चित्त को, और सुंदर साथ के चित्त को बहुत आनंद मिलता है। कोई नहीं सुख तोल, और इस सुख के बराबर कोई सुख नहीं है।
धामधनी निज धाम को राज्य परम धाम की शोभा का वर्णन करते हैं और न दाता कोए उनके सिवा और कौन है जो इस आनंद को दे सकता है ये लेने वाले साथ हैं और इस आनंद को कौन लूटेगा जो परम धाम की आत्माएं हैं और न समझे सोए और इसको कोई भी नहीं ले सकता तुम ना इन खेल के श्री जी चर्चा में क्या कहते हैं कि परम धाम के सुंदर साथ तुम माया के जीव नहीं हो तुम आइया छल देखनी भील गैया माहे छल छल को छल न लागी ओ लहरी जल तुम माया की सृष्टि नहीं हो कि माया में रल जाओ तुम अपनी सुरता परम धाम की तरह करो राज्य बार बार प्रतिदिन सावचित करते हैं याद करो निज धाम अपने परम धाम को याद कीजिए दो बेर दो तकरार में किस प्रकार से ब्रज और रास में पूरे हुए न मनोरथ काम तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं हुई थी इसलिए ये तीसरा खेल बनाया गया है पहले ले आया कलाम को सबसे पहले राज्य के वचनों को कौन लाया इशारते रमुजे हक कुरान में संकेतों से बात कही गई और उसको लाने वाले हैं मोहम्मद साहब रूह अल्लाह की लीले आया और उसके पास सदगुरु धनसिदेव चंजीत तारतम ज्ञान लेकर आए इमाम खोल दिया बुजरा और उसके भेदों को खोला धर्म ग्रंथों के भेदों को श्री प्राणनाथ जी ने दिन कयामत के कहे थे और जो कयामत का समय कहा गया था कि 11वीं सदी में कयामत जाहिर होगी अब वह समय आ गया है सो आए शरत सुभान और वही समय तब आ गया है जिसमें स्वयं अल्लाह ताला की शक्ति इमाम मेहदी के रूप में आई है जिसको हिंदू प्राणनाथ कहते हैं ये बात मोमिन जानही इस रहस्य को केवल ब्रह्मात्माएं जानती हैं कि भले ही हम हिंदू के तन में हैं मुसलमान के तन में हैं सबके पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद ही आराध्य हैं और वो हमारे सामने श्री प्राणनाथ जी के रूप में बंगला जी दरबार में चर्चा सुना रहे हैं जब भाव होता है तो सुनने में भी आनंद होता है जब विद्यार्थी के अंदर विद्या ग्रहण की प्रवृत्ति होती है तो उसमें शिक्षक के प्रति आनंद पैदा होता है यदि शिक्षक से घृणा हो तो उसके प्राणी में भी आनंद नहीं आता यही प्रवृत्ति है परम धाम की आत्माओं ने पहचान लिया है कि ये हमारे धाम धनी है तो श्री जी के मुख से जो भी शब्द निकलेंगे वो अमृत के समान मीठे लगते हैं जाए देवे हक ईमान और ऐसा कौन कर सकता है जिसको राज्य ईमान देते हैं केवल वही परम धाम की वाणी का श्रवण कर सकता है आजुज माजुज जाहिर भये अब कयामत के सातों निशानों का वर्णन होता है कि किस तरह से आजुज और माजुज जाहिर हो गए हैं उगया सूरज मगरब सूरज पूरब के बदले पश्चिम में उगाया है आजुज माजुज को जाहिर होने का भाव क्या है आजुज माजुज की 400,000 फौजें हैं 3 उनके सेनानायक हैं प्रातः दोपहर और सांय एक दिन में 24 घंटे होते हैं यानी एक वर्ष में 365 दिन 400,000 में 360 से भाग देंगे तो 1100 होता है यानी 11वीं सदी में अक्षरातीत को जाहिर होना है दावा हुई जाहिर दावा यानी दाबतुल अर्थ जानवर प्रकट हो चुका है यानी मनुष्य की प्रवृत्ति में जानवरों के लक्षण आ गए हैं उसका हृदय शेर की छाती की तरह कठोर हो गया है मुख पर ये सिर पर पहाड़ी बैल के सिंह यानी झगड़े की मानसिकता हमेशा बनी रहती है मुर्गे की तरह अकड़ है अहंकार है पीठ गिदड़ की तरह हो गई है यानी धर्म के कार्यों से विमुखता हो गई है हाथी की तरह बुरी बातों को सुनना चाहता है सुअर की तरह गंदी दृष्टि रखता है ये मानव के लक्षण है देखेगी दुनिया अब और क़यामत के सातों निशानों के जाहिर हो जाने से आप सोच सकते हैं आजकल तो मीडिया का इतना प्रभाव है किसी को कोई डंडा भी मार देता है तो चैनलों पर सारी दुनिया में दिखा दिया जाता था उस युग की कल्पना कीजिए जब मुगल सेनाएं किसी नगर पर आक्रमण करती थी और हजारों को लाखों को एक तरह तलवार से काट दिया जाता था कोई संसार में सुनने वाला नहीं था क्योंकि जब शासक ही ऐसा करने वाला है तो न्याय कौन करेगा मैंने कहा तैमूरलंग इसी मेरठ नगरी में 1,00,000 स्त्री बच्चों बूढ़ों को कटवा दिया था केवल इसलिए कि मेरा खुदा इससे खुश होगा तैमूरलंग ने महमूद गजनवी ने गोरुई ने हुमायूं ने बाबर ने अकबर ने चित्तौड़ में सबने नदियां बहाई हैं
देखा जाए तो सिकंदर लोदी तो जब तक कुछ लोगों को गाजर की तरह काट नहीं लेता था कुछ हिंदुओं को तब तक प्रातः का जलपान नहीं करता था. लेकिन सिकंदर लोदी जब शासक था तो उसके खिलाफ ही कौन कोर्ट में जाएगा, कौन कहेगा, अपनी फरियाद कौन करेगा. एक परमात्मा ही सहारा था. इसको कहते हैं क़यामत का समय जाहिर होना, यानी उस समय मनुष्य में पाशविकता चरम पर पहुंच जाएगी. अश्राफिल आएंगे और अश्राफिल जो फरिश्ता है वो आकर गावे अल्लाह कलाम, वो धनी की वाणी को कह रहे हैं. सुरफुका संसार में, और संसार में उसने सुरफुका, सुरफुका यानी ज्ञान का सुरफुका. सुरफुकने का तात्पर्य है परम धाम के ज्ञान का प्रकाश होना. होए 40 वर्षों तमाम, और 40 वर्षों में वो सब कुछ सारा ज्ञान अवतरित हो जाना है. इन चर्चा में बोलन की, जब श्री जी चर्चा करते हैं तो किसी का साहस नहीं होता कि कोई कुछ बोल दे. भानने को ठाड़ रहे, और वो खड़ा है किस लिए? सोई करत दज्जाल, हाँ, ईमान तोड़ने के लिए कौन खड़ा है? दज्जाल भी. दज्जाल क्या है? मनुष्य की अज्ञानता. आप भक्ति में, मैंने अभी कहा, ध्यान करने बैठिए निद्रा आएगी, मन भागेगा. पढ़ने के लिए बैठे तो भी मन हटेगा. ये कौन करा रहा है? रजोगुण तमोगुण से भरा हुआ मन, जो माया में डूबा हुआ है, ये मन आपको न ज्ञान ग्रहण करने देता है न परमात्मा की भक्ति करने देता है. जब आप ध्यान में बैठेंगे तो माया की याद आएगी, मेरी माँ कैसी होगी, मेरे परिवार कैसा होगा, मेरी बहन कैसी होगी, कल क्या होगा, ये सारी चिंताएँ सिर पर सवार हो जाती है. जो होना होगा हो करके रहेगा. सबको अपने अपने कर्मों के अनुसार सुख दुख भोगना पड़ता है. भाई बंधु अपने कर्मों के अनुसार मिलते हैं, अलग भी होते हैं, अपने कर्मों के अनुसार होते हैं. मनुष्य का सबसे बड़ा लक्ष्य है परमात्मा की प्राप्ति. वो परमात्मा को अपनी आत्मा के नेत्रों से देखे, आत्मा के हृदय से प्रेम करे और आत्मा के कानों से उनकी आवाज़ सुने. लेकिन मनुष्य अंतर की दृष्टि को बंद कर देता है, बाहर की आँखों से देखता है, यह मेरा परिवार है, ये संगे संबंधी है, किसी से घृणा करता है, किसी की आसक्ति का बंधन बांधता है. धन कमाने के लिए दिन रात परिश्रम करेगा. ध्यान के लिए कहिए, कहेगा कि क्या करें, ध्यान अभी हो नहीं पाता है, मेरे ऊपर बहुत काम है, जब काम छूट जाएंगे तो मैं परमात्मा का भजन करूँगा. लेकिन उसको ये पता नहीं है कि भजन बिना सब नरक है, पच पच मरिए माँ. आप कोठी बिल्डिंग खड़ी कर लीजिए, 10 कारें खरीद लीजिए, 10 करोड़ बैंक में जमा कर लीजिए, आपके साथ क्या जाएगा? जो आपने भजन किया है, जो आपने परमात्मा से प्रेम किया है, वही आपकी संपत्ति है. इस दुनिया की संपत्ति यही रह जाएगी. अब कहूँ आरोगन की, अब श्री जी चर्चा करते करते दोपहर बीत जाते हैं. दोपहर के समय श्री जी भोजन करेंगे. अब उसका वर्णन सुनिए. उठत समय झीलन, अब स्नान करने का पुनः समय हो जाता है. पीछे आरोगन की, किस तरह श्री जी चर्चा छोड़ करके स्नान करते हैं और भोजन करते हैं. कहो सेवा जो सयन, उस समय सुंदर साथ ने जो सेवा की उसको आप सुनिए. हुक्म किया हक ने, राज जी ने आदेश किया. जाए के लियाओ थाल, कि अब थाल लेकर के आइए. आए बाई जी सो कहा, और आकर के बाई जी से वो बात बताई जाती है. होए के खुशाल, जो सुंदर साथ को श्री जी कहते हैं कि जाकर के आप भोजन की व्यवस्था कराओ, वो बाई जी तेज कुंवरी जी से जाकर के वो बात बता देते हैं. हुक्म हुआ श्री राज का, कि अब धाम धनी का हुक्म हो गया है कि भोजन की तैयारी की जाए. लियाओ धोती पोती तेल, लेकिन भोजन से पहले स्नान करेंगे. देखिए प्रातःकाल भी श्री जी ने स्नान किया है, अब दोपहर भोजन करेंगे उसके पहले स्नान करते हैं. सेवा के शामिल मिलो, और जो श्री जी के स्नान करने के समय जो सुंदर साथ सेवा करते हैं स्नान कराने की, वो इकट्ठे हो जाते हैं. तब आओ तुम्हारी गैल, श्री जी कहते हैं कि पहले स्नान की व्यवस्था कर लो, तब मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ. उधर चर्चा कर रहे होते हैं, चर्चा में ही संकेत हो जाता है, यानी एक मिनट भी श्री जी समय की बर्बादी नहीं होने देते. ये क्या है सिखापन के लिए? हम सुंदर साथ समय को कितना खोते हैं, उसी समय में से हम बचत करके राज्य का ध्यान करें, वाणी का चिंतन करें,
समाज के कल्याण के बारे में सोचें तो बहुत कुछ समाज का भला हो सकता है, लेकिन लोग व्यर्थ में निरर्थक बैठे बातें करते रहते हैं, न ध्यान करते हैं, न भक्ति करते हैं, न अध्ययन करते हैं, न किसी को ज्ञान का प्रकाश देते हैं। परिणाम क्या होते हैं? उनके जीवन का अधिकांश समय निरर्थक ही बीत जाता है। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुर करोगे कर। मनुष्य को पुरुषार्थी होना चाहिए, अनासक्त योग, कोई आसक्ति नहीं, कर्म करते जाइए। वेद क्या कहते हैं? कुर्वन एव ये कर्माणि चीजे विशेष शास्ति समान एवं त्वय न निथो अस्थि न कर्म लिप्ते नरे। कर्म करते हुए 100 वर्षों तक जिए, इस प्रकार निष्काम भाव से जो कर्म करता है वो कर्म के फल में की आसक्ति में लिप्त नहीं होता। पुनर्जन्म का कारण क्या है? आसक्ति, किसी वासना में, तृष्णा में आसक्ति। जब निष्काम भाव से आप कर्म करेंगे कि शरीर आपका नहीं है, संसार आपका नहीं है, एक दिन शरीर और संसार से वियोग अवश्य होगा, तो आप अनासक्त हो जाएंगे और इस स्थिति में कुछ भी करेंगे तो आपको पाप नहीं लगेगा। जयंती दास आए के जयंती काका उस समय आते हैं, बातें करी बीच कान, और उस समय श्री जी से बातें करते हैं, अर्ज खास गिरो की, उस समय श्री जी से कान में बातें करते हैं, कोई जरूरी बात होती है तो श्री जी उनको कह देते हैं, देत कर पहचान, उस धाम दैनिक पहचान कराते हैं, तेल की सेवा मिने, और श्री जी को तेल लगाने की जो सेवा होती है, गोदावरी गंगा राम, गोदावरी बहन और गंगा राम ये हैं, भाग लेते हैं, कटोरी भर के लिया वही, श्री जी के शरीर में मालिश करने के लिए कटोरी भर कर तेल लाया जाता है, इनका इन सेवा में विश्राम, ये श्री जी की इस सेवा को करके आनंदित होते हैं, इन सेवा में शामिल, इस सेवा में कौन कौन से लोग सम्मिलित रहते हैं, बंसी सीताराम, बंसी और सीताराम जी, एक एक सेवा को सबने बांट लिया है, और सेवा करें सब, और सुंदर साथ भी हैं जो सेवा का कार्य किया करते हैं, सबको देवे आराम, और सबको आराम देते हैं, धोती पोती पीताम्बर, हाँ धोती पोती लाकर के, यानी श्री जी के जो वस्त्र हैं कौन लाते हैं? पीताम्बर भाई, लालदास इत लियाए, और लालदास जी भी सम्मिलित हैं, एक एक काम में कई कई सुंदर साथ लगे रहते हैं। अभी तो क्या होता है, वो कहेंगे कि तुम कर लो, वो कहेगा कि किसी और को कह देगा कि मैं नहीं करता तुम कर लो, एक दूसरे पर टालते जाते हैं। उस समय ऐसी भावना नहीं है, एक काम है तो कई दौड़ते हैं कि हम कर लें हम कर लें। यही सबसे बड़ी बात है कि जो हम सेवा में कितने आगे बढ़ करके भाग लेते हैं। मानक ताते जल को, और मानक भाई क्या करते, ताते जल को यानी गुनगुने जल को, ल्याई कर बनाए, वो गुनगुना जल करके लाते हैं, झीलन रंग सुहामणा, और जब श्री जी स्नान करते हैं तो ये गाया जाता है, जो रास में भोग आता है, झीलन रंग हरे झीलन रंग सुहामणा, गावे कन्नड़ गंगाराम, कन्नड़ और गंगाराम ये गाते हैं उस समय, बाई तारा सामी झीलते, तारा बाई भी उस साथ में उस गाती है, गावे कीर्त के साथ तमाम, और साथ में अन्य सुंदर साथ भी होते हैं, चंद्रवा ऊपर तानत, और चंद्रावले बाई भी उसमें भागी होती हैं, ए जो बाई रतन, और रतन बाई भी होती हैं, चौकी ऊपर चादर, और श्री जी जब बैठते हैं तो चौकी के ऊपर चादर बिछा दी जाती है, ल्याई मानिक भाई बिछावन, और मानिक भाई लाती हैं, छबिलदास वृंदावन, छबिलदास जी की सेवा क्या है, अंग पोछत समय झीलन, और जब श्री जी स्नान कर लेते हैं तो शरीर से पानी को पोछने की सेवा भी कौन करता है, लाल भाई देते हैं, और लाल भाई देती हैं छबिलदास जी की सेवा है। जब भी जल पिलाने की सेवा होगी, कहवा पिलाने, कहवा समझते हैं लौंग इलायची जावित्री मिश्री दूध मिलाकर काढ़ा बनाया जाता है, जिसको आजकल आप लोग चाय कहते हैं, वो चाय नहीं जो कैफीन देती है, यानी तुलसी का पत्ता है, लौंग है, इलायची है, जावित्री है, जायफल है, मिश्री और दूध के साथ उसका घोल बना दिया जाता है गर्म करके, उसको श्री जी बीच बीच में पिया करते हैं। करे सेवा होए मगन,
इस मग्न होकर के इस सेवा को करते हैं। रुमाल ल्याए लाल भाई, लाल भाई जी रुमाल लाते हैं, श्री भाई जी पोछत अंग, और भाई जी श्री जी के अंग को पोछते हैं। प्रेमदास शामिल रहे, इस सेवा में प्रेमदास भी सम्मिलित हैं। कई सखियां सेवे संग, और इसमें कई सुंदर साथ सेवा करते हैं। अब देखिए श्री जी के इस शरीर की अवस्था लगभग 70 के आसपास है। जो पुरुष सुंदर साथ है या महिला सुंदर साथ है, सब में परम धाम का भाव है कि हम परम धाम के राज्य की सेवा कर रहे हैं। इसलिए शरीर के पर्दे से सभी ऊपर उठ चुके हैं। इसलिए किसी को उस सेवा की नकल नहीं करनी चाहिए कि हम ही राज्य हैं और सब सुंदर साथ हमारी भी वैसे ही सेवा करें, क्योंकि किरंतन में एक चपाई आती है, कई दौड़त मुझ देखत पर रास लाया किनको जोलो नहीं धनी बख्शत। यदि इस जागनी लीला में कोई भी प्राणनाथ जी के स्वरूप की बराबरी नहीं कर सकता, इसलिए अन्य किसी भी सुंदर साथ को, चाहे वो कितना भी ज्ञानवान हो, कितना भी आध्यात्मिक शक्ति से भरपूर हो, अष्टपहर की सेवा की कभी नकल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे समाज में भटकाव हो जाएगा। हाँसी होए इन समय, इस समय जब ललिता आती है तो श्री जी फिर पानी के छींटे उस पर फेंक देते हैं, क्योंकि वही ललिता है जिस पर श्री जी ने पानी के छींटे फेंके थे, तो उसके शरीर पीठ का कुबड़ापन, शरीर का कुरूपता, शरीर की कुरूपता सब पल भर में दूर हो गई थी। श्री जी को रिझाती है, आती है, राज क्षमा कहती है, श्री जी पानी के छींटे फेंक देते हैं और सब सुंदर साथ हंसते हैं। तो वो उस समय भी जब श्री जी जब स्नान कर रहे होते हैं तो ये लीला अमूमन हुआ करती है। सब संया करे कलोल, और सब सुंदर साथ आनंदित होते हैं। श्री राज रसना सो, और श्री जी अपने मुख से मीठे कहत है बोल, जब बोलते हैं तो श्री जी के मुखारविंद के शब्द अति मीठे होते हैं। वेद में क्या उपदेश है, वाचा वदामि मधुवत भूयांसम में मधु सदृश, मैं मधु के समान मीठी वाणी बोलूं और मेरा हृदय भी मधु के समान मीठा हो जाए। वाणी का क्या कथन है, तन दिल दो एक रूह कहियत है सो, हमारी जबान भी मीठी हो, हमारा दिल भी मीठा हो, जो अंदर में हो वो बाहर में हो। ऐसा नहीं कि हम ऊपर से तो मीठा बोले लेकिन दिल में खटास हो, ये भी ठीक नहीं है। अंदर भी मिठास हो, ऊपर भी मिठास हो, जिसने ऐसा कर लिया उसके लिए राज्य का दर्शन करना ज़्यादा कठिन नहीं रहता है। केशवदास बानी ले, और केशवदास जब श्री जी स्नान करते हैं तब भी सुंदर साथ कुछ न कुछ हाथ में लिए रहते हैं। बाँचत समय इन, उसमें बाँचते हैं। लालदास कुरान की, और जब श्री जी स्नान करते हैं तो उसमें एक शोभादास महात्मा है, मस्त है। श्री जी के स्नान से जो पानी निकल बह रहा होता है उसमें लोट पोट हो जाते हैं। ये है प्रेम कि हम श्री जी को नहला नहीं पा रहे हैं तो क्या श्री जी के शरीर से जो पानी बह रहा है जमीन पर बह रहा है और उसमें भी लोट पोट जा रहे हैं। ऐसी ही लीला एक बार परमहंस महाराज श्री रामरतन दास जी ने भी की थी। जब घुमट जी में झीलना कराया जा रहा था तो परमहंस महाराज श्री रामरतन दास जी भी उस झीलने के जल में लोट पोट हो गए। ऐसा व्यक्तित्व जो अपनी इच्छा मात्र से किसी को परम धाम का दर्शन करा सकता है, वो भी श्री जी के झीलने में लोट फूट हो रहा है। ये भाव क्या दर्शाता है कि हमें श्री प्राणनाथ जी को किस रूप में मानना चाहिए। वे सुंदर साथ धन धन हैं जिन्होंने अपनी आँखों से श्री प्राणनाथ जी अक्षरातीत को लीला करते हुए देखा। अब तो श्री जी अंतर्धान है, समाधि में ध्यान में मग्न है, मूल स्वरूप के ध्यान में महामती जी की आत्मा बैठी हुई है गुमर जी के अंदर झूले पर। लेकिन जिसके हृदय में भाव होगा उनके लिए आज भी प्राणनाथ जी हैं। जब तक खेल खत्म नहीं होता, जब तक सबकी आत्मा जागृत नहीं होती, तब तक प्राणनाथ जी किसी को छोड़कर नहीं जा सकते। वाणी कहती है, मुसाफ गिरोह हाथी चली पीछे दुनी रहे किंकर, ये खेल किया जिन वास्ते सो जाके अपनी शरत पर। समाज में कैसी भ्रांतियाँ चल जाती हैं, लोग कहने लगते हैं कि कुछ का कहना है कि प्राणनाथ जी के साथ ब्रह्म सृष्टि सारी चली गई,
तो छत्रसाल जी तो यहीं रह गए थे, क्या छत्रसाल जी ब्रह्मसृष्टि नहीं थे? कोई कहता है कि प्राणनाथ जी का धाम गमन हो गया और उनके अंदर जो ब्रह्मसृष्टियाँ थी सब परमधाम चली गई। ये तो बचकानी बातें हैं। वाणी कह रही है मुसाफ गिरो हादी चली तो दुनी रहे क्यों कर, यदि ब्रह्मसृष्टि चली गई तो दुनिया क्यों है। इसका तात्पर्य यह है कि जब तक दुनिया है तब तक समझ लेना चाहिए कि अभी ब्रह्मसृष्टियों का खेल चल रहा है। जब तक गुम्मट जी हैं, दुनिया है, तब तक राज्य भी हैं और परमधाम की ब्रह्मसृष्टि भी है। इसलिए चौपाइयों के उल्टे अर्थ लगाकर समाज में गलत गलत धारणाएँ फैल गई कि प्राणनाथ जी अपनी आत्माओं के साथ चल गए। अब पूछा जाए सारी ब्रह्मसृष्टियाँ चली गई उसी समय 1751 में, तो श्यामा जी के स्वामित्व के 40 वर्ष तो पूरे हुए ही नहीं, तो परमहंस रामरतन दास जी क्या थे, क्या कोरे से कोरे जीव थे क्या, या भैया सीताराम जी क्या थे, उसके बाद बाबा दयाराम जी क्या थे, क्या ये लोग भी जीव थे। इसलिए वाणी किसने कही, कब कही, क्यों कही, किससे कही, किस लिए कही, जब तक इन प्रश्नों का समाधान नहीं होता तब तक वाणी की चौपाइयों के वास्तविक आशय को नहीं जाना जा सकता। और वाणी के आशय को समझना है तो अपने हृदय में पहले राज्य की शोभा को बसाना पड़ेगा, तब वाणी का मर्म समझ में आएगा कि राज्य अमुक चौपाई में कहना क्या चाह रहे हैं। यदि हम प्राणनाथ जी को केवल एक संत महापुरुष आचार्य के रूप में देखेंगे तो हमें कभी भी वाणी का वास्तविक आशय समझ में नहीं आ सकता है। पीताम्बर पहनावत, और पीताम्बर दास जी क्या पहनाते हैं, लाल प्रेम दास, और प्रेम दास जी क्या करते हैं, महाराजा दो थुर में जब श्री जी स्नान कर चुके होते हैं तो दो थुर में, यानी थुरमा कहते हैं किनारे को, उड़ावत है खास, महाराजा छत्रसाल जी साल उड़ाते हैं जिसके दोनों किनारे लटकते रहते हैं, पावड़े बकाई के, और बकाई भाई क्या करते हैं, पावड़े बिछाते हैं, चलत लटकनी चाल, श्री जी मस्ती भरी चाल से चलते हैं, संग सैया घेर के, और श्री जी जब चलते हैं तो उनके चारों ओर सुंदर साथ घेरे रहते हैं। 5000 की संख्या है। अपने बारिश सिकोत्सव में अभी भी कभी 2200 से ज़्यादा संख्या नहीं पहुँची। आप समझिए पन्ना जी में 5000 सुंदर साथ एक साथ रह रहे हैं। श्री जी का दर्शन सबको करना है, चर्चा में सबको बैठना है, और हर कोई चाहता है कि हम श्री जी के पास रहें, श्री जी से बातें करें, कुछ न कुछ रिझाएं, सेवा करें। इसलिए हर कोई तरसता है कि एक छोटी सी सेवा मिल जाए तो सोचता है कि मैं आज धन धन हो गया। वाणी गावे रसाल, और प्रेम भरी वाणी गाते हैं, थाल बड़ी रुपये की, एक थाल बाईजुराज जी चांदी के थाल में, आसबाई बनाई कर हेत, आसबाई कौन है, लालदास जी ने श्री जी के भोजन करने के लिए चांदी की थाल बनाई होती है, धोए रुमाल सो पोंच के, और दो रुमाल से उसको थाल को अच्छी तरह से धोया जाता है, रुमाल से पोछा जाता है, बाई जी अपने हाथों लेत, और उसको अपने हाथों से बाई जुराज जी उस थाल को साफ साफ करके भोजन परोसती हैं, और राज भोग थाल में, और राजी भोजन करते हैं, धरत हेत कर प्यार, बहुत प्रेम से भोजन करते, और कटोरी सयन की, और सुंदर साथ भी अपने अपने घर से कुछ बना करके लाए होते हैं कि हमारा बनाया हुआ भोजन श्री जी ग्रहण करें, कहे हो जो खबरदार, अब श्री जी को भोजन कराया जाता है, श्री बाई जी आवत अरुगाँव ने, श्री जी को भोजन कराने के लिए बाई जुराज जी स्वयं आती है, मध्यान्ह को ले थाल, दोपहर का जब समय हो गया होता है तो थाल लेकर के आती है, तुलसी राधा रुक्मणी, और इस समय ये बहनों के नाम है तुलसी राधा और रुक्मणी, सैया घेर चले कुशाल, जब बाई जुराज चलती हैं तो उनके साथ ये तीन बहनें भी रहती हैं, तीन पर आन विराजत, और श्री जी आकर के विराजमान हो जाते हैं, दो बाजू बैठावन हार, और उनके दोनों किनारे सुंदर साथ बैठ जाते हैं, एक बाजू लालबाई, श्री जी के एक तरफ लालबाई होती हैं, दूजी धनबाई खबरदार, और दूसरी तरफ धनबाई, कन्नड़ इनके साथ हैं, इनके साथ कन्नड़ जी हैं, परमानंद प्रवीण, और परमानंद जी भी हैं, बिंदा भी शामिल रहे, और उसमें ये भी शामिल रहते हैं, बिंदा भी शामिल रहते हैं, गावे गंगा राम आकीन, श्री जी
कुछ भी करें, नहा रहे हैं तो सुंदर साथ किसी न किसी बहाने सोते हैं कि हम कुछ गा दें, भोजन कर रहे हैं तो सोते हैं कि गा लें। उनके मन में यह है कि चलिए हमारी सेवा राज्य ने स्वीकार कर ली। थाल धारी ता ऊपर, अब श्री जी के लिए भोजन की थाल रखी जाती है। श्री बाई जी बैठत पास, और भोजन करते समय बाई जी पास में बैठ जाती हैं। आई जी सन्मुख बैठत, और आई जी यानी तेज गौरी जी की माता जी भी साथ में बैठती हैं। थाल ल्यावे कर विश्वास, विश्वास के साथ, ये नहीं सोचती हैं कि हमारे संसारिक संबंधी हैं, कि तेज गौरी जी के ये पति हैं, ये मानती हैं कि हमारे धाम के धनी हैं। मिलावे सयन के, सुंदर साथ के समूह में जयंती दास सिरदार, जयंती काका प्रमुख हैं यानी बहुत वयोवृद्ध हैं। सेवा करे सब साथ की, लेकिन उनकी सेवा में रुचि है, हर सुंदर साथ की सेवा में तल्लीन रहते हैं। उपले टहल को खबरदार, और हर कार्य में खबरदार यानी सावचेत रहते हैं, क्योंकि उन्हें सारे जीवन का अनुभव है कि सेवा व्यवस्था में क्या क्या कमी हो सकती है, कैसे उसको सुधारना है। मथुरी अतमो से, मथुरी बाई बहुत निष्ठा से सेवा करती हैं। रुमाल देवे भिगोए गुलाब, रुमाल भिगो करके देती हैं श्री जी को। बिंदी करे तिलक बीच, और श्री जी उसको तिलक करते हैं। श्री राज देता याति आब, और धाम धनी को बहुत प्रेम पूर्वक देती हैं। हमेशा ढिक बैठत, हमेशा श्री जी के पास कौन बैठता है। श्री बाई जी सेवा में, बाई जी सेवा में रहती हैं। रुच के श्री राज मांगत, और जब भोजन करते हैं तो श्री जी अपनी इच्छा से कहते हैं। कहवत श्री बाई जी ने समय, और बाई जी से कहते हैं कि ये चीज लाओ। लाल केशव बैठत, जब उस समय लालदास जी और केशवदास जी बैठे रहते हैं। दोनों बाजू के, श्री जी के दोनों बगल। चौपाई लिखे चित सो, और उस समय भी चौपाइयों को लिखने का काम चलता रहता है। आरोगत फुरमावे जे, और भोजन करते समय श्री जी कुछ बोलते रहते हैं, उस समय भी चौपाई लिखी जाती है। स्नान करते हैं तो भी गाना चौपाई का होता है। श्री जी भोजन कर रहे होते हैं तभी कुछ उनके पास सुंदर साथ बैठ कर लिखते रहते हैं। सुआ और सीताबाई, सुआ और सीताबाई का क्या काम है। और प्रेम बाई, और प्रेम बाई क्या करती हैं। रुमाल हाथ डुलावत, अपने हाथ से रुमाल झलती हैं। आरोगोने बखत आए, जब श्री जी भोजन कर रहे होते हैं तो उनके अगल बगल रुमाल ढुलाती रहती है। क्यों? क्योंकि वहाँ मक्खी वक्खी पास ना आ जाए। धर्म पाले बाई धरना, और धर्मा बाई क्या करती है, अपना कर्तव्य निभाती हैं। रोटी अरगावने लियावत, उनका नियम है धर्मबाई का कि जब श्री जी भोजन करते हैं तो अपने घर से रोटी गरम बनाकर लाती हैं कि राज जी मेरे बनाए हुए को भी एक खा लें। रसोई में श्री राज आरोगत, और जब वो बनाती हैं तो धाम धनी अवश्य भोजन करते हैं। ए ल्यावत कोमल चीत, कोमल भावना से, सच्चे हृदय की भावना से लाती हैं। हुजूर में हमेशा, और श्री जी साहेब के सम्मुख दोए रहे पिकदान, दो पिकदान रखे रहते हैं। ठाड़े रहे हुजूर में, और श्री जी के सम्मुख कौन खड़ा रहता है। संत शंकर बड़ा ईमान, ये शंकर भाई शंकर हजूरी हमेशा सच्चे भाव से खड़े रहते हैं। संग रहे शंकर के, और शंकर के जी के साथ कौन रहते हैं। सेवत मुरलीधर, मुरलीधर श्री जी की सेवा में ये मुरलीधर और शंकर जी हजूरी दोनों ही तल्लीन रहते हैं। पिकदान और मूर्छल, श्री जी पिकदान किसको कहते हैं, जैसे पान खाकर उसको थूका जाता है, तो यदि श्री जी को पान का बीड़ा, उस युग में पान बीड़ा खाने का प्रचलन था, वो पान बीड़ा आजकल का पान बीड़ा नहीं है जो दुकानों पर मिलता है, इसमें तो नशे की चीज़ें डाली जाती है। वास्तव में पान का आविष्कार एक वैद्य ने किया था, उसमें लौंग जावित्री इलायची आदि सुगंधित और जो मुख के लिए लाभदायक चीज़ें थी वो डाली जाती थी उस समय, लेकिन आजकल तो नशा कैसे करें वो चीज़ें पान में डाली जाती हैं। श्री जी उस पान को खाते हैं, ये पान खाने का प्रचलन ये प्राचीन काल से चला रहा है, राजा महाराजा लोग खाया करते थे, तो ऐसा ना सोचिए कि राज्य भी खाते हैं। उस समय की परंपरा के अनुसार श्री जी को कोई भेंट देता है, लोग खिलाने का प्रचलन है, तो श्री जी उसको ग्रहण करते हैं। उसको थूका कहाँ जाए, तो एक पिकदान रखी रहती है।
मैया राम आवत। मैया राम की सेवा क्या है, उनके पास एक झोली होती है, उसमें हर तरह की आवश्यकता की वस्तुएं रखी रहती है। ले चीपी में चने। वो श्री जी भोजन कर चुके होते हैं तो मैया राम क्या करते हैं, गरम गरम भुने हुए चने लाते हैं। उनका भाव ये है कि धाम धनी दो चने भी खा लें। ये सुंदर साथ की भावना है कि हम अपने धाम धनी को किस तरह से रिझाएं। समारत सनेह सो। और बहुत प्रेम पूर्वक उसको सुव्यवस्थित करते हैं। श्रीराज आरोगे चुटकी से। और जब मैया राम भुने हुए चने रखते हैं तो चुटकी में लेकर श्री जी उनकी भावना को पूरी करते हैं। हर बाई ठाड़ी रहे। और उस समय हर बाई खड़ी रहती हैं। लेके हाथ रुमाल। अपने हाथ में रुमाल लेकर। सुपारी गीगा लियाया। और गीगा भाई की सेवा क्या है, सुपारी देने की। और देवे मानिक। और मानिक भाई को देते हैं। और छबिल दास छबल छो। और छबिल दास बहुत भावना के साथ ये सेवा करते हैं। सबसे पहले देहाक। वो राज्य को ये सब देते हैं। पान पोछने को कारत। अब जब पान पोछने के लिए लियाए का तो चूना जुगत। पान का बीड़ा लगाने के लिए कत्था चूना सब लाया जाता है। लवंग जावित्री जायफल। अब उसमें लौंग डाली जाती है, जावित्री जायफल आदि सब डाला जाता है। श्री बाई जी बनावत। और उस पान को बनाने की सेवा क्या है, बाई जी की। महाराजा अरुगावही। महाराजा छत्रसाल जी भी श्री जी को पान का बीड़ा देते हैं। अपने हाथ तंबोल। अपने हाथों से श्रीराज रीच के कहते हैं। धाम धनी आनंदित होकर छत्रसाल जी की सेवा पर आनंदित हो जाते हैं। देखिए हर प्रहर की सेवा में, पहले प्रहर की, दूसरे प्रहर की सेवा में महाराजा छत्रसाल जी हमेशा संलग्न रहते। छठे पहर तक छत्रसाल जी के नाम आएगा, इसलिए अपना तन मन धन सब कुछ निछावर कर रखा है महाराजा छत्रसाल जी ने। महाराजा हैं लेकिन किसी तरह का अहंकार नहीं। छोटी से छोटी सेवा में महाराजा छत्रसाल जी सबसे आगे रहेंगे। कोई नहीं सेवा इन तोला। सेवा के समान कोई भी नहीं है। जो सच्चे हृदय से सेवा करता है वो राज्य को रिझाता है। जब महाराजा आवत। जब महाराजा छत्रसाल जी आते हैं तब हाथ पकड़े ए। तो श्री जी को हाथ पकड़कर उठाने की सेवा करते हैं। दूसरी तरफ लालदास को। और दूसरी तरफ लालदास जी होते हैं। श्री राज हाथ दे। और दूसरी तरफ लालदास जी भी श्री जी का हाथ पकड़कर उठाते हैं। चारों तरफ बिछाए पावड़े। श्री जी चलते हैं तो चारों तरफ पावड़े बिछाए जाते हैं। संग जुथ सयन के। और साथ में जुथ सयन के काफ़ी सुंदर साथ रहते हैं। कभी वाणी रास की। और कभी रास की वाणी गाई जाती है। गावत है कर प्रेम। बहुत प्रेम पूर्वक गाई जाती है। कभी ब्रज लीला मिनी। कभी ब्रज लीला की चौपाइयाँ गाई जाती हैं। कभी ना लेवे नेम। और कभी भी ये कार्य बंद नहीं होता है। इन समय सने की। इस समय सुंदर साथ में जो प्रेम बरसता है। कहा लो कहो ये सुख। उसके सुख का वर्णन हम कहाँ तक करें। ये तो सैया जा नहीं। इस सुख का वर्णन कौन कर सकता है, मुख से कहा नहीं जा सकता। जो उस समय सेवा में थे केवल वही जान सकते हैं कि जिन्होंने साक्षात धाम धनी को अपने सामने पाकर रिझाया उसका सुख क्या होगा। सुनियो दुनिया आखिरी भाग बड़ी है तुम, जो कबूक किन कानों ना सुने सो करो दीदार कसम। अब स्वयं आई वही अक्षरातीत आया। शिव सनकादिक ने जिसको खोजा, बड़ी बड़ी समाधियां लगाई और वही अक्षरातीत सामने आकर बैठा हो तो उसकी सेवा करके स्वयं को आनंदित कौन नहीं करना चाहेगा। इसलिए वे सुंदर साथ धन धन है जिन्होंने तन मन से सेवा करके अपने प्राण वल्लभ को रिझाया था। लटके मटके चलते। श्री जी जब चलते हैं तो बहुत प्रेम की चाल से चलते हैं। आए विराजे पलंग। और अपने पलंग पर विराजमान हो जाते हैं। चरण लाग पीछे फिरी। और उनके चरणों में प्रणाम करके वापस लौट जाते हैं। श्री जी की अर्धंग। उस समय तेज कुरी जी श्री जी के चरणों में प्रणाम करके वापस चले जाते हैं। अब श्री जी ने भोजन कर लिया। 12 से 3 बजे का समय होगा तीसरे पहर का। उसमें क्या लीला होती है अब आप आगे सुनिए। अब कहो तीसरे प्रहर की। अब तीसरे प्रहर की लीला का वर्णन सुनिए। बीतक जो सयन। जो उस समय सुंदर साथ ने सेवा करके रिझाया। चरना लेके आया। श्री जी को पहनाने के लिए चरना लेकर के यानी सुथनी लेकर आती हैं जब जाड़े का समय होता है तो।
प्रेमदास पैनावन, ये सेवा है प्रेमदास की। नंदराम पीछे खड़ा, और उनके पीछे नंदराम जी खड़े होते हैं। ले गोटा गनघटी खलिदान, गोटा और कंठफी भी लेकर खड़े रहते हैं। इन समय राधाबाई, इस समय जब श्री जी आप पलंग पर भोजन करने के पश्चात थोड़ी देर विश्राम करेंगे, लेकिन वो निद्रा नहीं लेते हैं। आप देखेंगे श्री जी जब पलंग पर लेटेंगे तो गाने वाले पहुंच जाते हैं। गाने वालों की 14 बारियां हैं, बारी यानी पाली, 14 समूह हैं। एक एक समूह आकर के श्री जी को कुछ न कुछ वाणी गा करके सुनाता है, और श्री जी लेटे लेटे सबका वाणी गायन सुनते रहते हैं। श्री राज के पकड़े हाथ, उस श्री जी के हाथ को पकड़ते हैं। गजपत गहरा पान सो, और गजपत भाई बहुत गहराई से गाते हैं। गजरत है मुख बान, जब गजपत भाई गाते हैं तो लगता है कि उनकी बादल की गर्जना की तरह बुलंद आवाज से वाणी का गायन करते हैं। चंद्रावली रिझावत, और चंद्रावली पंजाब की बहन है, वो पंजाबी भाषा में वाणी की चौपाइयों का भाव प्रस्तुत करती हैं। दर्द उपजावे दिल को, जब वो गाती हैं तो हृदय में विरह का भाव पैदा कर देती हैं। शाबाश कहिए तीन, उनको शाबाशी श्री जी भी देते हैं। बक्तावर अमृत कुंडली, अलग अलग बारियों के नाम हैं, बक्तावर है, अमृत है, कुंडली है, शेख बदल भी हैं। जितने गाने वाले सुंदर साथ हैं, 5000 की संख्या में जो सुंदर साथ वाणी को सुर ताल में गाने की क्षमता रखते हैं, उन्होंने 14 अपनी पाली बना ली है और समय बांट रखा है। सवेरे कौन गाएगा, दोपहर को कौन गाएगा, संध्या के समय कौन गाएगा, सब गा गा कर के अपनी अपनी सेवा को प्रस्तुत करते हैं। जो जिसमें निपुण है वह उस सेवा को करता है। वाणी मेरे पियो की, राज्य की वाणी क्या है, गावत अति रसाल, राज्य की वाणी को बहुत प्रेम पूर्वक गाते हैं। सुनते सुख उपजे, और इसको सुनने से बहुत अधिक आनंद आता है। होत दिल गुसाल, और मन बहुत ही आनंदित होता है। ये कलाम रब्बानी, ये वाणी क्या है, रब्बानी कलाम, स्वयं राज्य ने कही है। तारतम वाणी किसी मनुष्य की रचना नहीं है, स्वयं अक्षरातीत के आवेश से अवतरित है। जिन वाणी गाय से, इस वाणी को गाने से क्या लाभ होता है, होता है दीदार हक, इन वाणी को गाए से होता है दीदार हक। यदि हम ब्रह्म वाणी को सच्चे हृदय से गाएं तो राज्य का दर्शन होता है। संगीत किस लिए बनाया गया, संगीत ध्यान को एकाग्र करने के लिए बनाया गया था। सामवेद को कोई सच्चे हृदय से गा दे तो मन संसार से हट जाएगा, परमात्मा में लग जाएगा। प्राचीन काल में सामवेद को गाने की उन्नत परंपरा थी, 100 तारों वाले, 1000 तारों वाली वीणा हुआ करती थी, सामवेद का गायन हुआ करता था। आजकल तो बेसुर और ताल के लोग चिल्लाते हैं, कीर्तन के नाम पर पूरी रात को जागरण होता है, ढोलके पीटी जाती है, जिसमें केवल शोर शराबा ही होता है, आत्मा को कोई आनंद नहीं मिलता। और दूसरी बारी में, दूसरी बारी में मन्ना और रतनी, मन्ना और रतनी बाई रहती हैं। असाई बागो धनबाई, और इसमें ये जो असाई बाई हैं, सब वारी रिझावे अपनी, सभी अपनी अपनी बारी को गाकर रिझाते हैं। जी जी की बारी मिने, और जी जी की जब बारी आती है, गावत है अगरी, गावत है अगरी, अगरी बाई भी गाती हैं। बड़ी जीजी शामिल रहे, और साथ में बड़ी जीजी भी सम्मिलित रहती हैं। और गावत है मथुरी, और मथुरी बाई भी गाती हैं। नवमी जसा की बारी, और जसा की जो बारी है वो नवमी है। गावे भीगू चंगाई, भीगू और चंगाई गाते हैं इसमें। ये सबके नाम हैं जो जो उस समय गा गा कर श्री जी को रिझाते हैं, उन सुंदर साथ के नाम हैं। इनके नाम क्यों लिखे गए, जीव सृष्टि जो 3000 की संख्या में है, चितवनी से जी चुराती है, चितवनी में बैठना नहीं चाहती, चर्चा में बैठना पड़ता है क्योंकि रह रहे हैं साथ में। लेकिन आप रात्रि की चर्चा में सुनिएगा, चौपाई में सीधे आया है, सबसे पहले उठी आम। जीव सृष्टि सोचती है कि 12 बजने वाले हैं, कब श्री जी चर्चा खत्म करें और जल्दी से जाकर सोएं। सेवा में सबसे पीछे, रोग आकर मजबूरी में चर्चा में बैठना पड़ता है, चितवनी में भी मजबूरन बैठते हैं, मन नहीं लगता। जिसके दिल में भाव आता है तो राज्य दया करके उसको अपना रूप झलका देते हैं।
लेकिन जीव सृष्टि का हृदय कठोर हो जाता है, उसमें प्रेम नहीं होता, केवल अहंकार बना रहता है। जिसके हृदय में कोमलता है, भाव है, प्रेम की विवलता है, राज्य उससे एक पल के लिए भी दूर नहीं है। जिसने अपना हृदय राज्य को दे दिया, राज्य भी उसको अपना हृदय दे देते हैं। ए बारी वाले गावही, ये 14 जो बारी वाले हैं अलग अलग अपना समय बांट लिए होते हैं और गा करके धाम धनी को रिझाते हैं। आठ प्रहर रात दिन, आठों पहर जब भी अवसर मिलेगा। श्री जी 12 बजे चर्चा समाप्त करके जब आराम करेंगे तो 12 बजे भी ये गाने के लिए पहुंच जाते हैं कि हम राज्य को गाते रहें। श्री जी लेटे लेटे सब गायन सुनते रहते हैं, उनकी आँखों में नींद नहीं है। ये लीला क्यों दर्शाई गई है कि जिनके ऊपर जागने का उत्तरदायित्व सौंपा जाए उनको आराम करने का अधिकार नहीं है। उनके ऊपर एक बहुत बड़ा बोझ है कि समाज का मार्गदर्शन करें, समाज को सत्य की राह दर्शाएं। आप देखेंगे आदि शंकराचार्य पैदल चल चल करके पूरे देश को जागृत किए, लेकिन उनके अनुयायी जो वर्तमान के शंकराचार्य हैं वो किसी तरह का कष्ट उठाने के लिए तैयार नहीं। कुर्सी पर भी बैठेंगे तो उनके ऊपर कोई चांदी की तो उनकी कुर्सी होती है और चांदी की कुर्सी के ऊपर भी एक छत्र लेकर खड़ा रहेगा। कहीं भी जाएंगे उनका सिंहासन उनके साथ साथ चलेगा। इतना बंधन जब आप बांध लेंगे तो समाज को आप क्या मार्गदर्शन करेंगे। ऐसे ही हर पंथ में हो रहा है, चाहे निजानंद संप्रदाय हो चाहे कोई भी संप्रदाय हो, जिनसे आशा की जाती है कि वो समाज को अपने पुरुषार्थ तप त्याग के द्वारा मार्गदर्शन करेंगे, वही कहीं ना कहीं आलस्य के शिकार बन जाते हैं। ए जिनके ताले लिखे, जिनके भाग्य में ये लिखा है, सो गावे सुने सुकन, वही ब्रह्मवाणी को गा सकता है और सुन सकता है। जोश फिरे जबरुत लो, जोश फिरे जबरुत लो, और ब्रह्मवाणी को गाने वाले का जो जोश जो है बेहद मंडल तक जाता है। नजर लाहुत में मोमिन, और उनकी दृष्टि परम धाम में पड़ती है। सो वाणी सिफायत की, अक्षरातीत की महिमा को दर्शाने वाली ये जो वाणी है, किन वास्ते उतरी, किसके लिए उतरी है, केवल ब्रह्म सृष्टियों के लिए। असराफिल आया, अब असराफिल अवतरित हो गया, नूर मकान से, अक्षरधाम से, गावत है कुरान को, और वो कुरान को यानी तारतम वाणी के रहस्यों को, सनंद खुलासा मारिफत सागर, पूरी परम धाम की ब्रह्मवाणी को। कुरान का मतलब ये कुरान नहीं, आखिरी वेद क्या है, तारतम वाणी, आखिरी कतेब क्या है, तारतम वाणी। वेद कतेब दोनों से अलग करके धाम धनी ने हमें तारतम वाणी दी है। संसार के सभी मनुष्यों को बाह्य अर्थों से हटाकर परम धाम की तरफ केंद्रित किया है। धनी आए वेद कतेब छुड़ावने, ये तीन बातें चित्त में धर। उत्तरी रोहे अरस अजीम से, परम धाम की आत्माएं इतने सर जगत के खेल को देखने के लिए आई हुई हैं। ए शामिल है पांच, अक्षरातीत की पांचों शक्तियाँ महामती जी के धाम हृदय में विराजमान है। सब कार्य हुए इनसे, और सारे जागने का कार्य इसी स्वरूप से होना है। एक ठौर हुए के, महामती जी के धाम हृदय में ये पांचों शक्तियाँ एक साथ बैठी हैं। भागवत गीतामिने, भागवत के अंदर और गीता के अंदर क्या लिखा है। शास्त्र इन वास्ते हुआ, और भागवत गीता में वेद वेदांत में जो कुछ है ये सब क्यों आए, परम धाम की ब्रह्म सृष्टियों को साक्षी देने के लिए। पैगाम जो उतरे, जो परम धाम की वाणी उतरी है, सो वास्ते मोमिन के, वो किस लिए, ब्रह्म सृष्टियों के लिए, खेल बनाया गया उनके लिए, शास्त्र उतरे उनके लिए। सब गवाही देवे इनकी, और जितने भविष्य के ग्रंथ हैं उनमें साक्षी इन्हीं ब्रह्म सृष्टियों की है। और सिफत कहे, और उनकी महिमा दर्शाई गई है। राह जो इस्लाम की, निजानंद की राह, इस्लाम का अर्थ इस्लाम धर्म नहीं, इस्लाम का अर्थ होता है शांति। जो तारतम ज्ञान से एक सत्य का बोध हो, एक परमात्मा की पहचान हो और उससे हमारी आत्मा को आनंद मिले, उसको कहते हैं निजानंद। मुल्ला लोग क्या अर्थ लगाते हैं कि कलमा पढ़ लेना इस्लाम का अनुकरण करना है, वो तो जाहिरी इस्लाम है, वास्तविक इस्लाम नहीं। वास्तविक इस्लाम हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन में भेद नहीं करता, वो सारी मानवता को एक सत्य की राह दिखाता है, प्रेम की राह दिखाता है। श्री जी ने क्या कहा है, भली बुरी किनकी नहीं, डरता रहे सुभान, सोहबत खूनी की ना करे, ताई कहिए मुसलमान।
खून करना तो दूर, खून करने वाले की संगति में भी ना रहे, उसको मुसलमान कहते हैं। और आजकल ये मुसलमान लोग अपने मुख से कहते हैं कि हम अल्लाह को मानते हैं, तो अल्लाह की जो बनाई हुई ये कायनात है उसमें बेजुबान पशुओं को गला रेत करके क्यों काटते हैं, क्यों दूसरे के ऊपर गोली चलाते हैं कि तुम कलमा पढ़ लो, क्या खुदा ने ऐसा कहीं कहा है? लेकिन ये उनको समझ में नहीं आता कि हम कुरान के सिद्धांतों के उल्टा आचरण कर रहे हैं। श्री महामति कहे ए साथ जी, महामति जी कहते हैं कि हे साथ जी सुनो जिकर सुभान। अब ये 12 बजे से 3 बजे का प्रसंग हो गया जिसमें स्त्री जी भोजन करने के पश्चात जब पलंग पर पौड़ रहे होते हैं, विश्राम कर रहे होते हैं, तो ये सुंदर साथ जो गाने वालों की बारी है वह उनके पास पहुंच जाती है और बारी बारी से अपने अपने समय पर वाणी गा करके स्त्री जी को रिझाते हैं। और कुछ नहीं गाया जाता, श्री जी के मुखारविंद से अवतरित इस ब्रह्मवाणी को सुंदर साथ गाते हैं। आज भी समाज को चाहिए कि वाणी के गायन की दिशा में अपने प्रयास तेज करें। भजनों की जो मार बाढ़ आ गई है, भजनों के गाने से कभी वो भाव जागृत नहीं हो सकता, क्योंकि आजकल जो भजन बनाए जाते हैं पिक्चर के गीतों को सुन सुन करके, पिक्चरों को देख देख कर भजन बनाए जाते हैं। पिक्चर को देखने से पिक्चर का दृश्य सामने आता है, जिस धुन पर भजन कोई बनाया जाएगा, पिक्चर का यदि गंदा दृश्य है तो भक्ति भाव कभी पैदा नहीं हो सकता। और भजन बनाने वालों का हृदय यदि धाम नहीं बन पाया है, उनकी आत्मा जागृत नहीं है, तो कभी गहरे भाव के भजन बन नहीं सकते। यदि वाणी का वास्तविक ज्ञान नहीं है तो भजन बनाने वालों के सिद्धांतों में विरोधाभास हो सकता है। जैसे एक भजन बनाया गया, आपने अपना बनाया मेहरबानी आपकी, हम तो इस काबिल नहीं थे कद्रदानी आपकी। पूछा जाए आपने अपना बनाया तो क्या इसका मतलब कि हम पराये थे, तब तो हम ब्रह्म सृष्टि थे ही नहीं। कुछ बता हमको इस ख्वाब में एलाने वाले, इन निगाहों ने मुझे कत्ल सरेआम किया। तो वहदत में सरेआम तो होता नहीं, फिर भी तू जिंदा है वो धाम को जाने वाले, हमारा तो कत्ल हो गया लेकिन तू जिंदा है। यानी इस तरह के भाव तो संसारिक भाव होते हैं, आत्मा और प्रियतम के बीच में इस तरह के भावों को कहना उचित नहीं। परातम को देखा जो अर्श, परातम से देखा जो अर्श पिया, या देखो रे देखो रे पिया को परातम से। परातम तो नींद में है, वो कैसे देख सकती है? खिलवत में पहले प्रकरण में यह बात कही गई है कि राज्य मैं आपके सामने बैठी हूँ लेकिन आपको देख नहीं पा रही हूँ, आपकी बातें सुन नहीं पा रही हूँ, ना आपसे बोल पा रही हूँ। हाँ, आत्मा से राज्य को देखा जा सकता है, पर आत्म को आत्म देख सी तब टल सी उल्टो फेर जी। आत्मा से राज्य को देखा जाएगा, आत्मा से परात्म को देखा जाएगा और आत्मा से परम धाम को देखा जाएगा। परात्म वहीं बैठी है लेकिन उसकी सुरता इस खेल में आई है। परात्म की आंखें तो खुली है, दृष्टि तो खेल में है, जीव के ऊपर आत्मा के रूप में है। इसलिए परात्म से जो देखने का सिद्धांत है वाणी से पूर्णतया विपरीत है। ऐसे ही भजन बनाने से समाज में भ्रांति फैल जाती है, वाणी के विपरीत सिद्धांत फैल जाते हैं। इसलिए वाणी को यदि हम गाते हैं तो राज्य के आवेश से अवतरित ब्रह्मवाणी है, इसको गाने से वाणी गाए से होते हैं हक दीदार, राज्य का दर्शन होगा। राज्य के दर्शन होने का मतलब हमारे हृदय में एकाग्रता आएगी, प्रेम आएगा, विरह आएगा, तो राज्य के चरण कमल मिलेंगे। अब कहो चौथे पहर की। अब चौथा पहर शुरू होता है 3 बजे से लेकर 6 बजे का। अब देखिए कभी भी नहीं होगा मिलेगा कि राज्य गहरी निद्रा में सो गए हैं या लोग खर्राटा भर रहे हैं सुंदर साथ, सुंदर साथ तरस रहे हैं कि कब हम राज्य को रिझाएं। और श्री जी भी उसी तरह से जगे रहते हैं, 3 घंटे चर्चा करके भोजन करके केवल आराम कर रहे हैं और सुंदर साथ के द्वारा गाए हुए कीर्तन को सुन रहे हैं। इत एक प्रहर पियो पौड़त। एक बार 12 से 3 बजे तक श्री जी विश्राम करते हैं। आए सेवन को सब साथ। 3 बजे उठते हैं तो सेवा करने वाले सब सुंदर साथ वहाँ उपस्थित हो जाते हैं। जल लोटा भर लिया या। और जल में लोटा भर कर कौन लाता है? छबील दास अपने हाथ। ये सेवा है छबील दास की, जीवन भर श्री जी को पानी पिलाते पिलाते
अपना तन छोड़ा, ये धंधन है छबीलदास जी। छबीलदास जी जमुना बाई के बेटे हैं, देवचंद जी के दोहते छबीलदास जी। जब पहचान कर लिया जमुना बाई ने कि राज जी मेरे भाई में नहीं बैठे हैं, जमुना बाई के संगे भाई हैं बिहारी जी, अपने संगे भाई को छोड़ दिया और श्री जी को जल पिलाने की सेवा करती रही है। यह सेवा श्री जी से मांग कर अपने बेटे छबीलदास जी को दी कि धाम धनी आप छबीलदास पर कृपा दृष्टि बनाए रखिए। और छबीलदास जी बचपन से निकले हैं श्री जी के चरणों में जल पिलाते पिलाते अपना तन छोड़ा। उन सुंदर साथ ने एक पल भी अपना व्यर्थ नहीं गवाया, किसी की निंदा में सोते में। आप रात्रि की सेवा कल सुनेंगे, 12 बज जाते हैं, 12 से 3 भी कुछ सुंदर साथ जगे रहते हैं और कुछ सुंदर साथ तो 3 बजे के बाद भी। बस पीठ सीधी कर लिया, हो गया, शरीर उतना चलता रहे, उतना आहार करते हैं, दिन रात प्रीतम के विरह में रहते हैं। तब तो वहाँ बैठे बैठे हजारों सुंदर साथ ने अपने धाम धनी को पाया। आज तो धार्मिक स्थानों में ऐसे कमरे लगे हैं, चार चार तरह की सब्जियां खाई जाती हैं, खीर पूड़ी पकवान खाए जाते हैं, कोमल गद्दों पर सोए रहते हैं। फिर कहते हैं कि राज्य को किसने देखा है, राज्य थोड़े मिल सकते हैं। संसार के किसी ग्रंथ में नहीं लिखा है कि राज्य नहीं मिलते हैं, वाणी में कहीं नहीं लिखा है। बीतक तो कहती है आप देखो और उनको दिखाओ। अभी आप प्रातःकाल के पहले प्रहर की सेवा में आपने सुना किस तरह से चितवनी कराई जाती है। अब ये चौथा पहर है, चौथे पहर में भी जब 4:30 बजे का समय होगा तो श्री जी सबको चितवनी कराएंगे। दोनों समय चितवनी अनिवार्य है, दोनों समय चर्चा अनिवार्य है। सेज पर से उठ के श्री जी सज्जा पर से उठकर कोई दिन घर आवे घनश्याम, कभी कभी घनश्याम जी के घर आते हैं, ता पावड़े आगे बिछावत, जब श्री जी चलते हैं तो उनके आगे पावड़े बिछाए जाते हैं। ए लाल बाई का काम, ये लाल बाई जी की सेवा है। लालदास जी की धर्म पत्नी है लाल बाई, पति पत्नी दोनों समर्पित हैं धाम धनी की सेवा में। इत हाथ पकड़ के श्री जी का हाथ पकड़ कर छबीलदास लियावे, छबीलदास जी लेकर के चलते हैं, पीछे फिरते हाथ दे, और जब वापस लौटते समय भी हाथ पकड़कर कौन ले चलता है, लालदास पहुंचावे। ये लालदास जी की सेवा है, कभी लाल भाई कभी छबीलदास कभी लालदास जी तरसते हैं कि कब हमें सेवा मिले और हम सेवा करके अपने जीवन को सार्थक करें। सेवा करते हैं, चितवनी करते हैं, चर्चा सुनते हैं। सुंदर साथ को माया के धन की कोई चाहत नहीं रह गई है, किसी भी तरह का सुख नहीं है। रहवे निर्गुण होए के आहार भी निर्गुण, साफ दिल सुहागनी कभू न दुखावे के। सादा आहार है, सादा विहार है, वस्त्र भी सादे हैं, साफ दिल सुहागनी, उसका हृदय इतना निर्मल है कि मन और वाणी से कभी कठोर वचनों से किसी का हृदय नहीं दुखाती है। यदि हमारी वाणी कठोर है, हम अपने कट वचनों से किसी का हृदय चीरते हैं तो समझ लीजिए आपकी राज्य की आपके ऊपर राज्य की मेहर नहीं होनी है। चरण पखालने को छबीलदास, अब चरण धोने की भी सेवा आएगी। जब श्री जी उठते हैं तो यह सेवा भी छबीलदास जी की है। मुकुंददास खास पखालत, और मुकुंददास जी की यह सेवा है, हे सेवत दिल निर्मल, और यह सेवा दिल निर्मल सच्चे हृदय से करते हैं। इत चिलमची धर के, और चिरमची भरकर, चिरमची में यानी एक बर्तन होता है जिसमें टोटी लगी रहती है जिससे कि पानी व्यर्थ में न बहे। बैठत है नंद राम, ये सेवा है नंद राम जी की। जल प्रसाद बांटत, और जो प्रसाद होता है श्री जी के चरणामृत धोने का उसको बांटने की सेवा क्या करते हैं। शंकर को ए काम, ये सेवा शंकर दास जी की है। अमल आरोग्य इन समय, इसमें अमल, अमल किसको कहते हैं यानी दूध तुलसी का पत्ता जावित्री लौंग इलायची सबको मिश्री के साथ काढ़ा बना दिया जाता है उसको अमल कहते हैं। और बाजू सखियां खड़ी, और जब श्री जी आरोगते हैं तो दोनों तरफ सुंदर साथ खड़े होते हैं कुर्सी को घेर के, श्री जी के आसन के को चारों तरफ घेर कर। शंकर मथुरा गावत, उस समय अब श्री जी बैठे हैं तो शंकर मथुरा दोनों गा रहे होते हैं। गंगादास बिहारी झीले, गंगादास और बिहारी दास जी भी उनका साथ देते हैं।
मानक शामिल रहता है और उसमें मानिक भाई भी शामिल रहते हैं। फुलबाई सुदामापुर से, और सुदामापुर से फुलबाई आई होती है। सुदामापुर यानी आज का पोरबंदर। सो फुलबाई रहता है और फुलबाई क्या करती हैं? सरेक सब सेवा में, सब सेवा में फुलबाई आगेवान बनी रहती है। सेवा लिखनहार की, और लिखने की सेवा कौन करता है? स्याही देते बनाए, और सुंदर साथ कुछ क्या करते हैं? स्याही बना करके रखे रहते हैं। कूजा भर के पुकार रही, और अच्छी तरह से स्याही को बर्तनों में भर भर कर कोई लेवे जो दिल चाह, जिसके मन में भावना होती है उसको देते हैं। पिछला बाकी दिन, अब जो है 4:30 बजे का समय हो जाता है। पिछला दिन बाकी रहियो घड़ी जब चार, धाम वतन चलने की मोमिन करे विचार। अर्ज की नमाज का आए पहुँचे वक़्त, गोकुल अर्ज करते हैं सामे आए तकत। परम धाम से जब इस खेल में आए तो उस समय भी लीला में 4:30 बजे का समय था, इसलिए 4:30 बजे सब सुंदर साथ को चितवनी कराई जाती है। उस समय गोकुलदास जी श्री जी के सामने आकर के प्रार्थना करते हैं कि धाम धनी, हमको इस खेल से सिताब काढ़ो श्रीराज, भय मनोरथ पूरन रहिया न कोई काज। हमें माया में अब नहीं रहना है, हमें अब इस माया से लेकर परम धाम चलिए। तो सब सुंदर साथ को उस समय चितवनी के लिए बैठाया जाता है। जब सुंदर साथ चितवनी करते हैं तो सूरज सिंह कुछ और भी हैं, पल्ले मुरलीधर जी ने सेवा की। सूरज सिंह 3 कमान लेते हैं, कुछ सुंदर सा हथियार लेते हैं। किस लिए? शोभा के लिए। ऐसा नहीं कि वहाँ कोई चोर डाकू आ जाए या जंगली जानवर आ जाए, यह डर नहीं है, एक शोभा है। जब महाराजा चक्रवर्ती सम्राट कोई होता है तो उनके सैनिक चलते हैं, यह दर्शाने के लिए, इसी भाव से कि पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद किसी तन में विराजमान होकर लीला कर रहे हैं, तो उनकी गरिमा में हम हथियार लेकर के खड़े रहते हैं सेवा के भाव से। और सब सुंदर साथ एकनिष्ठ बैठ करके चितवनी करते हैं। इस चितवनी का उद्देश्य क्या होता है? शरीर स्थिर हो जाए, मन स्थिर हो जाए, हम अपनी आत्मा की दृष्टि खोल लें और राज्य को प्रत्यक्ष देखें। संसार के सभी देशों में प्रायः ध्यान का महत्व आज बढ़ रहा है। चाइना जैसे नास्तिक देश में जहाँ परमात्मा को माना ही नहीं जाता, वहाँ के लोग भी आज योग करने लगे हैं। लेकिन हमारे समाज में दुर्भाग्यवश घंटी घड़ियाल की महत्ता गाई जा रही है, सेवा पूजा की तो महत्ता बताई जा रही है, माला पर मंत्र जप की महिमा बताई जा रही है, लेकिन चितवनी की महिमा नहीं बताई जा रही है। क्योंकि सब बड़ी हस्तियां सोचती हैं कि सुंदर सा चितवनी करने लगेगा तो बहुत आगे बढ़ जाएगा, कहीं मेरे से आगे निकल न जाए, इसलिए ये वक्तव्य देते हैं कि जब हमको परम धाम नहीं दिखता तो तुमको कैसे दिख सकता है, इसलिए तुमको चितवनी करने की जरूरत नहीं। और साफ कह देते हैं चितवनी में राज्य का दर्शन नहीं होता। कोई को तो ये कहते हैं कि यदि चितवनी में राज्य आ जाएंगे तो तुम मर जाओगे, इसलिए डर के मारे कितने लोग चितवनी भी नहीं करते। इसलिए सुंदर साथ को किसी अफवाह में नहीं फंसना चाहिए। चितवनी आपका जन्म सिद्ध अधिकार है, राज्य को पाना आपको आपके परम धाम का मूलभूत अधिकार है, इसको कोई नहीं छीन सकता। और जो इस लक्ष्य तक नहीं पहुंचता, उसको एक बात ध्यान में रखनी चाहिए, क्यों रहे दीदार बिन प्राण। इस दुनिया में बिना राज्य के दर्शन किए रहना ही व्यर्थ है। लक्ष्य बनाना चाहिए कि शरीर छूटने से पहले राज्य को अपनी आंखों से अवश्य देख ले। इसलिए कोई कितना भी भकाए कि राज्य को देखा नहीं जा सकता या शरीर छूट जाएगा, तो उस पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। समझना चाहिए कि ये काल्पनिक मनगढ़ंत बातें हैं, मिथ्या बातें हैं और वाणी के विपरीत हैं, इसलिए उसको कभी भी स्वीकार नहीं करना चाहिए। जो सेवा शाकुंडल करी, महाराजा छत्रसाल जी ने जो सेवा की, अपने तन मन धन, अपना तन मन धन सब कुछ निछावर कर दिया, अपना तन मन तन धन सौंपिया, अपना तन धन सेवा में सब कुछ लगा दिया, इसलिए उनको क्या कहते हैं? तो अमीरुल मोमिनीन, मोमिनों में सर्वश्रेष्ठ, ब्रह्मात्माओं में सर्वश्रेष्ठ शोभा महाराजा छत्रसाल जी की है। चितवनी भी की, राज्य भी बढ़ाया, तन मन धन भी लगाया और जागनी का प्रकाश भी फैलाया। श्री जी की अंतर्धान लीला के पश्चात महाराजा छत्रसाल जी ने
पंजाब में सीताराम भैया को भेजा, नेपाल में भेजा और तेजस्वी बाबा और केसर भाई को जामनगर भेजा। वहाँ की गादी बंद हो चुकी थी, यानी जामनगर के पहले आचार्य हुए हैं केसर भाई। उसके पश्चात ही आचार्यों की परंपरा चली। वहाँ बिहारी जी की गादी उनके देह त्याग के पश्चात बंद हो गई थी, क्योंकि बिहारी जी की कोई संतान नहीं थी। पूरे देश में वाणी की ज्योति को जगाया महाराजा छत्रसाल जी ने। शाकुंडल और शकुमार पर यह पूरा उत्तरदायित्व है कि वाणी के प्रकाश को वही जागृत करेंगे। महामती के जो माच्य हैं महम्मद की बीतक, उसमें लिखा है कि जैसे आकाश से पानी की बूंदें गिरती हैं, वैसे ही जब जागने का दौर चले तो समझ लेना चाहिए कि शाकुमार की आत्मा जागृत हो गई है। और शाकुमार की विशेषता क्या बताया है, इश्क भी होगा, इल्म भी होगा और उसके द्वारा ऐसा प्रकाश फैलेगा कि पूरा संसार जाग जाएगा। यानी शाकुमार की आत्मा उस समय 11वीं सदी में कुछ कर नहीं पाई तो गुनाह धोने के लिए वो सब कुछ करेगी। उसमें शाकुमार की आत्मा को सावचेत किया गया है कि शाकुमार यह तुझे आखिरी अवसर मिलेगा, यदि तूने इस अवसर का लाभ नहीं उठाया तो परम धाम में तुम्हारा सिर कभी ऊंचा नहीं हो पाएगा। इसलिए शाकुमार को जैसे ही प्रकाश मिलेगा अवतारतम का, वो अपनी पूरी शक्ति के साथ अपना गुनाह धोने के लिए लग जाएगी। और जो जागने का दौर शाकुंडल के समय में चला था, वही दौर शाकुमार के समय में चलेगा। इसके बाद खेल समाप्त हो जाएगा। खास ढाल तलवार जो, और जब चितवनी के लिए सुंदर साथ बैठते हैं तो ढाल तलवार लेकर कुछ सुंदर साथ ये सेवा करते हैं। दही पहले मुरलीधर, ये सेवा मुरलीधर की है। कोई दिन भिखारी दास, कुछ दिन भिखारी दास भी ये करते हैं। कोई दिन गिरधर रहे पकड़, और कुछ दिन तक गिरधर जी ये सेवा करते हैं। श्री भाई जी पठे देत है, और भाई जी राज जी क्या करते हैं, हाथ मकरंद के, मकरंद जी के हाथ से क्या भिजवाते हैं, श्री राज के वास्ते भूषण, श्री जी के जो आभूषण होते हैं भाई जी राज जी मकरंद के हाथ से भिजवाते हैं। और महाराजा छत्रसाल जी भी उसी समय पहुंचते हैं। आप सुनिए, परम धाम का श्रृंगार सजाया जाता है श्री जी को। परम धाम में राज जी का जो जो श्रृंगार है, वही श्रृंगार छत्रसाल जी अपने हाथों से अपने प्राणवल्लभ अक्षर अतीत को पहनाते हैं। माला दो मोतिन की, दो मोतियों की गले में माला पहनाते हैं। और उत्तरी कंचन, और कंचन में जड़ी हुई दो मालाएं पहनाते हैं मोतियों की। दो सांकली सोने की, सोने की दो जंजीरें होती हैं। झलकत हीरा रोशन, जिसमें हीरे जड़े हुए होते हैं। चंद्रहार झलकत, गले में चंद्रहार भी है। चमकली सिर नूर, जिसमें चमकली के दाने होते हैं, चपकली के आकार के, चंपा के फूल के आकार के, उसमें मन के होते हैं। कंठी पर कंठी सोहे, कंठी पर कंठी सोहे, यानी ये सोने की माला है जिसको कंठी कहा गया है। सो क्यों कर कहूं जहूर, उसका वर्णन मैं कैसे करूं। श्री महाराजा पहनावत, महाराजा छत्रसाल जी अपने हाथों से धामधनी को पहनाते हैं। अंगूठियां हैं कई, जिसमें हीरे मोती जड़े हैं, श्री जी छत को पहनाया जाता है। पहुँचे बादीन ठाम, और उस पर इस प्रकार छत्रसाल जी की यह सेवा है। हीरा मानक झलकत, उसमें हीरा और माणिक जड़े हुए हैं, ए महाराजा का काम, महाराजा छत्रसाल जी की यह सेवा है। अब श्री जी को परम धाम का श्रृंगार करा दिया जाता है। श्री जी पर सबको परम धाम की चितवनी कराते हैं। परम धाम की चितवनी में क्या करना होता है, आप शरीर को भूल जाइए कि मैं बैठा हूँ, संसार को भूल जाइए, हिलिए डुलिए नहीं, शरीर से परे हो जाइए। जो मूल स्वरूप है अपने, जाको कहिए परातम, सो परातम संग लेके विलसिए संखसम। आप अपनी परात्म का श्रृंगार सजिए कि मेरी आत्मा का श्रृंगार भी वैसा ही है जैसा श्यामा जी का है। शरीर से जब आप स्थिर नहीं बैठेंगे तो चितवनी नहीं हो सकती, चितवनी चलते फिरते नहीं हो सकती, चलते फिरते तो भावलीनता होती है। जब आप बैठकर काल माया से अपनी सुरता को आगे की तरफ ले चलेंगे, योग माया में अव्याकृत सबले केवल सस्वरूप को पार करते हुए सर्वर सागर से होते हुए आप जब मूल मिलावे में पहुँचेंगे, सर्वर सागर से जैसे केरपिल को पार कर
यमुना जी में स्नान कर चांदनी चौक से आगे जाकर रंग महल की सौसड़ियाँ चढ़कर मुख्य द्वार पर आएंगे। 28 स्तंभ के चौक चार चौरस हवेलियों को पार कर मूल मिलावी में जाकर राज्य की शोभा को एकटक देखना है। दुनिया क्या करती है, प्रकृति में एक एक चीज़ को देखने लग जाती है। कई कई साल सारी जिंदगी लग जाती है पांच तत्वों से, मन बुद्धि अहंकार से, अष्टावरण को पार करने में कितनों की जिंदगी गुजर जाती है, निराकार नहीं पार हो पाता। और हमें कुछ मिनटों में, दो चार मिनटों में संकल्प बल से तारतम्य ज्ञान के प्रकाश में निराकार को पार कर लेना होता है। जिस बेहद में कोई इस हद का नहीं जा पाता उसको भी कुछ पलों में पार कर लिया जाता है। परम धाम में जाकर युगल स्वरूप के नख से सिख तक की शोभा में धारणा की जाती है। जैसे जैसे आप धारणा करते जाएंगे आपका ध्यान गहराता जाएगा। एक समय ऐसा आएगा कि आपके मन में कोई विचार नहीं आएगा, राज्य की वही शोभा दिखती रहेगी। दुनिया में जो सूरज चांद सितारे बने हैं ये अंधकार से बने हैं, लेकिन राज्य का स्वरूप अति सुंदर प्रकाशमयी है। और उस सुंदर स्वरूप की शोभा को दिल में बसाते बसाते आपके हृदय में इतना प्रेम आ जाएगा, इतना आनंद बरसेगा कि आपको सारी दुनिया का राज भी दे दिया जाए और कहा जाए कि चितवनी छोड़ दो तो आप सारी दुनिया के राज पर लात मार देंगे लेकिन चितवनी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन यह हमारे समाज का दुर्भाग्य है कि चितवनी की प्रक्रिया को बहुत कुछ ही पाया जाता रहा है। और जहाँ तक मैं सोचता हूँ 40 लाख की संख्या में यदि 40,000 तो क्या 4,000 भी सुंदर साथ दिल से चितवनी करते तो मुझे कोई कष्ट नहीं होता। लेकिन हमें हार नहीं मानना है। एक तरफ कर्मकांड का जाल है, ढोलकों की थाप है, नाचना कूदना है, कर्मकांड है, दूसरी तरफ हमारी चितवनी की ज्योति जलती रहेगी। एक दिन अवश्य आएगा कि सुंदर साथ को चितवनी करनी ही पड़ेगी, क्योंकि चितवनी के सिवा अपनी आत्मा को जागृत करने का कोई उपाय दूसरा नहीं है। आप नाच कूद करके आरती वगैरह गाकर मन को सांत्वना दे सकते हैं कि चलो हमने राज्य को रिझा लिया, लेकिन जब तक आप अपनी परात्म को नहीं देखेंगे तब तक आपकी आत्मा जागृत नहीं होगी। इसलिए शुद्ध हृदय से अपने हृदय में प्रेम भर करके हर सुंदर साथ को चितवनी में लगना चाहिए। रात को सोने से पहले युगल स्वरूप की छवि को अवश्य निहारना चाहिए। सवेरे उठकर पहला काम चितवनी का करना चाहिए और ये प्रतिदिन करवाया जाता है, पहले प्रहर की सेवा में और चौथे प्रहर की सेवा में। श्री जी स्वयं कराते हैं, जाको दिल जिन भात सो तासो मिले तीन विद, मन चाहिया स्वरूप हो के कार्य किए सब सिद्ध। स्वयं अक्षराति धाम धनी सब सुंदर साथ को चितवनी कराते हैं। जिसके दिल में जैसा भाव आता है राज्य उसको उसी रूप में दर्शन देते हैं। इन आँखों से भी दर्शन दे देते हैं और अंतर की आँखों से भी मिहराज का तन नहीं दिखता है बल्कि वहाँ साक्षात युगल स्वरूप के दर्शन होते हैं। आज भी वही स्थित है। छठे दिन की लीला में भी आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए, अपनी सुरता को प्राणा जी के चरणों में सौंप दीजिए, उनकी कृपा दृष्टि के सहारे आप काल माया युग माया को पार कर परम धाम मूल मिलाव में जाइए। परम धाम की सारी शोभा आपको अपनी आत्मा के धाम हृदय में भी दिखाई देगी। और यह अवसर सारे संसार को देना चाहिए। जब हम अपने समाज में नहीं फैला रहे हैं तो दूसरों को क्या दिखें। दुनिया में दूसरे पंथों के प्रचारक हैं, सबको ध्यान करना सिखा रहे हैं और हमारे समाज के अग्रगण्य कह रहे हैं कि ध्यान मत करना नहीं तो तुम मर जाओगे, या तुमको दर्शन कहाँ से होगा जब मुझे नहीं हो रहा है। तो राज्य किसी से बंधे हुए नहीं है कि केवल जो बड़े बड़े स्थानों के महाराज हैं केवल उनको ही दिखेंगे। जिसका हृदय सच्चा होगा, चाहे बालक हो, जवान हो, बूढ़ा हो, स्त्री हो, पुरुष हो, सबके लिए दरवाज़ा खुला हुआ है। जिसके हृदय में राज्य के लिए अटूट ईमान है, अटूट प्रेम है, राज्य किसी भी क्षण उसको दर्शन दे सकते हैं। और 40 साल की प्रतीक्षा मत कीजिए कि मुझको 40 साल की उम्र होगी तो राज्य दर्शन दे सकते हैं। राज्य किसी भी उम्र में दर्शन दे सकते हैं। 16 साल की अवस्था में देवचंद जी को पहले मिल गए थे, इन आँखों से उनका सामान लेकर के पठान के भेष में दर्शन दिया था, उनका सामान भी पहुँचा दिया था। 25 वर्ष की अवस्था में मेहराज जी को दर्शन हो गया था। देवचंद जी को भी इसी उम्र में 26 साल की अवस्था में चितवनी में दोबारा दर्शन हो गया था और तीसरी बार 40 वर्ष की अवस्था में हो गया था। इसलिए समय की प्रतीक्षा मत कीजिए। छठे दिन की लीला में सारे ब्रह्मांड के लिए दरवाज़ा खुला हुआ है।
केवल ब्रह्म सृष्टि ही नहीं, कोरे से कोरे जीव को भी अधिकार है कि वो राज्य का दर्शन करें, लेकिन इसके लिए अपने दिल से अहंकार हटाना पड़ेगा, कटुता हटानी पड़ेगी, विषयों की तृष्णा हटानी पड़ेगी, मन को शांत करना पड़ेगा, राज्य के प्रति श्रद्धा समर्पण में भाव लेकर के डूबना पड़ेगा, तो राज्य आपके हैं, आपकी आत्मा के हृदय में बसते हैं, इस अधिकार के साथ आप चितवनी करेंगे तो राज्य आपको अवश्य प्राप्त हो जाएंगे। अब ये चौथा पहर समाप्त होता है 3 बजे से 6 बजे का। कल आप सुनेंगे 6 से 9 बजे के बीच क्या होता है, 9 से 12, 12 से 3 और 3 से 6। ये अष्ट पहर की लीला हमारे जीवन में ग्रहण करने के लिए। अब तक आपने सुना था कल से पहले तक कि श्री जी कहाँ कहाँ गए, क्या क्या घटा, सारे ज्ञान को ग्रहण करने के पश्चात हम आचरण में कैसे उतारें कि हमारे जीवन का हर पल किसी न किसी रूप में राज्य की चितवनी में लगे, सेवा में लगे या वाणी के चिंतन में लगे। इसको शास्त्रीय भाषा में क्या कहेंगे, स्वाध्याय, ध्यान और सेवा। वाणी की भाषा में क्या कहते हैं, चितवनी, वाणी की चर्चा सुनना, चर्चा, चितवनी और सेवा। किसी भी तरह से हम शरीर से सेवा करें, आत्मा से ध्यान करें और मन बुद्धि से वाणी के ज्ञान को आत्मसात करें। यदि हम ऐसा करते हैं तो हम यहीं बैठे बैठे इतनी बैठे घर जागे धाम पूरे मनोरथ हुए सब काम की स्थिति को प्राप्त कर लेंगे। अब चौपाई दोहराइए। श्री महामति कहे ए मोमिनो, ए चौथे प्रहर की विरत, अब कहो पहर पांचवा, सुनियो तन मन हित, सुनियो तन मन हित। बोलियो श्री प्राणनाथ प्यारे की।